ऑल राइट, आइए बच्चों आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। तो रजिस्टर्स ओपन करें। ये सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट करने जा रहे हैं। लिखिए आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर मई 2024 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाइए फटाफट से, जल्दी से बैठो। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, आरटीपी मई 2024 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस आरटीपी में खास बात यह है कि इस आरटीपी को देखने से आपको आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ऐसा होने जा रहा है कि नया सिलेबस का आरटीपी आया है। इससे पहले तो पुराने सिलेबस के चले जा रहे थे, पैटर्न पता लग चुका था। यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा चीज़ों का। तो आइए एक एक करके इसको व्यू करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिनेरियो बेस्ड यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। आरटीपी इन्होंने डिज़ाइन एकदम वैसे ही कर रखे जैसे पहले होती थी, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन डाल रखा है और आखिरी में थ्योरी डाल रखी है, बट थोड़ा बहुत एमसीक्यू भी इंट्रोड्यूस करने की है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। द परचेज कमिटी ऑफ ए लिमिटेड हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू व्यू द मटीरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। द चीफ मार्केटिंग मैनेजर हैज़ अप्रेज दैट द कमिटी दैट द कंपनी एट प्रेजेंट प्रोड्यूसेज अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स। तो बच्चों ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट एक्स, दिस इज फिनिश्ड गुड्स। By using two types of raw material A and B in the ratio of 3:2, मतलब 3 किलो अगर A का जाएगा, 2 किलो B का जाएगा, मतलब material A is perishable in nature and has to be used within 10 days। बच्चों ये वाली लाइन बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब आपका जो material A है आप लेकर आओगे तो वो 10 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। मतलब आप 10 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अपने पास रख नहीं सकते material A का, वो ख़राब हो जाएगा, दोबारा से लेकर ही आना पड़ेगा। ये लाइन बड़ी सही थी तो इसी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये समझने वाला पार्ट बनेगा इसमें। मटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी बारी लेकर आओ, 1 साल तक इसकी लाइफ है, मतलब आप लेकर आ गए तो 1 साल बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सपायरी नहीं होती। ये ए वाले पे येलो हाईलाइट करना जरूरी था, ये जरूरी है। मटीरियल इज ए इज परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा लीड टाइम हो गया 1 to 2 days। मटेरियल बी ऑन द अदर हैंड इज परचेज फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट एंड इट टेक्स 2 to 4 days टू रिसीव द मटेरियल इन स्टोर्स। मतलब ये क्या हो गया, लीड टाइम फॉर बी। द परचेज प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी इज 30 and 44 रिस्पेक्टिवली एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये परचेज प्राइस हो गया। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज़ टू इनकर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 1200 रुपये। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा ओ। कैरिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल ए इज 15%, बी का है 5%। तो ये 15% किसका निकल के आ जाएगा बच्चों, 30 रुपये का, और 5% 44 रुपीज़ का। एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेज इन लॉट्स ऑफ दिस। तो ये प्रेजेंट पॉलिसी है, दिस इज ऑर्डर साइज। टू अवेल 10% डिस्काउंट, तो प्रेजेंटली हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है। GST एप्लीकेबल फॉर बोथ द मटेरियल इज 18% एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। बताइए GST पे अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनता है, नहीं बनता है। द सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट दैट द कंपनी वुड सेल 30,000 kgs। किसका बेचेंगे 30,000 kg, फाइनल प्रोडक्ट का, फिनिश गुड्स का, इन जनवरी 2024 एंड ऑल्सो प्रोजेक्टेड द सेम ट्रेंड फॉर द इंटायर ईयर। अब बच्चों इसके अंदर ध्यान से देखिए, आपसे ना यहाँ पे अच्छा आगे भी है। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3, मतलब अगर हम 5 किलो इनपुट का डालते हैं तो आउटपुट इससे कितना निकल के आएगा, 3 kg का। अब ये जो आउटपुट है ये तो एक ही कमोडिटी का है, बट ये इनपुट का हमने 2 bifurcation करने हैं बिटवीन ए एंड बी, ये भी बात हमें समझ में आती है, समझ में आ रहा है ना। द कंपनी वर्क्स फॉर 25 days इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। द फॉलोइंग क्वेरीज कैलकुलेशंस टू बी केप्ट रेडी फॉर परचेज कमेटी।
तो बच्चों यहाँ पे ना ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है। बेसिकली हम जब मटेरियल कॉस्टिंग या चैप्टर कर रहे थे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स गिवन होती थी। तो एक एक करके अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन का मैंने ना सोल्यूशन भी खोल रखा है, हम सोल्यूशन भी देखते जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। मुझे भी ये बात बताओ कि मंथली डिमांड फॉर एक्स कितना था, 30,000 केजीज। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 3 × 5, ये हमारा 50,000 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए होगा पूरे साल में। इसका रेशियो क्या है, 3:2, यानी कि इतना आउटपुट बनाने के लिए आपको ए का रेशियो 30,000 केजी और बी का 20,000। तो बड़ा ही सिंपल सा निकला यहाँ पे। आपको सिंपली क्या करना था, इसके अंदर ऑप्शन डी टिक करना था। कैलकुलेशंस उसका पार्ट बनेंगी नहीं, बट आपको कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा पेपर में, बट अगेन इसका सिंपली डी आंसर था। दिखानी चाहिए वैसे तो, अभी तक कुछ ऐसा दिखानी तो चाहिए, बट अभी ऐसा कुछ अपडेट्स नहीं है। पहला मॉक टेस्ट पेपर आएगा फिर पता लग जाएगा कॉस्ट का, मैंने अकाउंट्स का नहीं देखा अभी तक। एनीवेज नेक्स्ट, अब बच्चों इसके आगे की रिक्वायरमेंट देखें। रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको जितना रॉ मटेरियल चाहिए था इंटू ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट 1200 था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सिंपल सॉल्व हो जाता दोनों का। ये भी कर लेंगे 2 मिनट लगा के ना सॉल्व सारा। अच्छा तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का बच्चों क्या फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। अब यहां पे ना नया पॉइंट आया है, ये नया पॉइंट क्या है इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, वो 10 डेज वाला। अब मुझे ये बात बताइए, मैं पहले ना इसका ये वाला पार्ट समझा देता हूँ, मैक्सिमम लेवल। अब रीऑर्डर क्वांटिटी तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था कि हम 15,000 किलो का ऑर्डर देते हैं। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। मैक्सिमम लीड टाइम ए का कितना था, 2 दिन। तो यहाँ पे हो गया 2 दिन इनटू 30,000 डिवाइड बाय 25, एक दिन का कंजम्पशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल प्लस मिनिमम इनटू मिनिमम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंजम्पशन रेट को रिपीट कर रखा है, क्यों, क्योंकि डाटा नहीं है। मिनिमम कंजम्पशन रेट भी वही ले रखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट भी वही ले रखा है, एवरेज होता तो एवरेज भी वही लेते क्योंकि डाटा नहीं है। तो ये करके आराम से आपका ये तो निकल गया, बट आंसर 12,000 है। क्यों है 12,000, ये ध्यान से समझने वाली बात है। एक केस के अंदर आपका 10 दिन से ज़्यादा स्टॉक नहीं चलेगा। आप सब्जी लेकर आ गए घर में, वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, आपको दोबारा से सब्जी लेकर आनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों मुझे ये बात बताइए, 30,000 तो पूरे महीने का चाहिए होता है आपको, 25 दिन के हिसाब से एक दिन की कंजम्पशन निकल गई, इंटू 10 डेज, यानी कि 12,000 किलो से ज़्यादा आप सामान रख ही नहीं सकते। उससे होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, 30,000 डिवाइडेड बाय 25, एक दिन की कंजम्पशन कितनी हो गई, 1200, ठीक है ना। और आप 10 दिन का ही सामान एक बारी में लेकर आएंगे, मतलब 10 दिन से ज़्यादा चलेगा ही नहीं, तो 12,000 किलो से ज़्यादा आप सामान रखोगे ही नहीं कभी। जैसे हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आया, 16,200, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा है ये खराब हो जाएगा ना, तो आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमेशा 12,000 ही रहेगा, वो लिमिट लग गई है इसके अंदर। यही नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज मुझे कुछ और पॉइंट लगा नहीं था। ये समझ में आया, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 12,000, ये नया पॉइंट था। नेक्स्ट, आपको याद करिए हमने इस तरीके से डिस्कस किया था कि भाई परचेज क्वांटिटी अगर 15,000 है और परचेज क्वांटिटी अगर ईओक्यू है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ रही है, हम तो 15,000 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी कोई कॉस्ट बच रही है या एक्स्ट्रा लग रही है, वही चीज़ निकालनी है। इसके अंदर भी एक छोटा सा नया पॉइंट आ रखा है, इस चीज़ को भी मैं अभी 2 मिनट में समझाऊंगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है जो हम पहले करते थे, यही मिनिमम स्टॉक लेवल भी निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम स्टॉक लेवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस इसमें दिक्कत कहाँ थी, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए इसी में दिक्कत थी। इसके अंदर भी हाँ, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको, ये भी हो जाएगा आराम से। बस वो एक ही पॉइंट नया था, कौन से वाला, मटेरियल ए वाला। तो आपको पूरा आइए क्वेश्चन एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल
टू बी रिक्विजिशन फॉर बोथ ए एंड बी। तो आइए इसके लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट। फिनिश गुड्स कितने चाहिए होते बच्चों हमें? फिनिश गुड्स कांग्या ये रहा 30,000 kgs। इनपुट आउटपुट रेशियो है हमारा 5:3, तो इसे इनपुट कितना चाहिए होगा मुझे? 30,000 kg डिवाइडेड बाय 3 × 5 विच इज 50,000 kgs। तो मुझे टोटल इनपुट 50,000 kg चाहिए होगा। ये समझ में आ रहा है? ये 5:3 कहाँ लिखा हुआ था बच्चों? ये देखिए, ये वाला 5:3, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो 3:2 में डिवाइड होगा, मतलब मटेरियल ए हो जाएगा 50,000 का 3/5 और मटेरियल बी 50,000 का 2/5, तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000। चलिए, तो इसकी पहले पार्ट की जैसे रिक्वायरमेंट पेपर में लिख के आएंगे तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट नंबर वन का सॉल्व करके फिर आप नीचे वही लिख देंगे कि इसका करेक्ट आंसर है डी, कि भैया 30,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली। फिर अगला पार्ट क्या था बच्चों? आपको ईओक्यू निकालना है ए और बी दोनों का। तो लिखिए पार्ट बी, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन लिखना है फिर पेपर में, ठीक है ना, कि करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से ईओक्यू निकालना है, ए का अलग बी का अलग। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? √2AO डिवाइडेड बाय सी। तो ए कितना हो गया बच्चों हमारा? 30,000 × 12। ओ और सी चाहिए, इसका ए कितना हो गया? 20,000 × 12। ओ कितना गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर? 1200। तो इसका भी ओ आ जाएगा 1200। इसका सी कितना कितना हो गया बच्चों? 15% ऑफ 30 रुपीज़, 5% ऑफ 44। 15% ऑफ 30 रुपीज़, 5% ऑफ 44। तो इसको पुट करके ईओक्यू भी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि अगर मैं आंसर सीधा दिखाऊं आपको तो इस तरीके से यहाँ पे पुट किया, आप चेक कर लीजिएगा आंसर ये आना चाहिए, चेक कर लीजिए। तो करना पड़ेगा सॉल्व, वो सजेस्टेड है, करना चाहिए आपको सॉल्व। डन, ये तो कैलकुलेट कर लीजिए ना, बस जल्दी जल्दी करिएगा, ऐसे तो फिर आरटीपी खत्म नहीं होगा, फास्ट करना है, ये की पॉइंट्स लिखते चले जाएं कि समझ में आ रहा है आगे, ऐसे तो आरटीपी खत्म ही नहीं होगा। अगली रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? व्हाट इज द स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। तो लिखिए सी पार्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू
मिनिमम लीड टाइम, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना तब भी याद भी उसी से आएगा, तो थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी है। अब बच्चों रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए अलग से भी दिखा सकते हो, बट इसका फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है ना। अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं इसी तरीके से था, कुछ याद आता है? तो एक एक करके मैं पुट करता चला जाता हूं। पहले आपको पता क्या है, कंपनी इसके अंदर डिटेल क्या बता रखी है कि ऑलरेडी कितने का ऑर्डर देती है, 15,000 किलो का ऑर्डर देती है। कितने का ऑर्डर देती है, 15,000 किलो का ऑर्डर देती है। एक सेकंड, ठीक है, 15,000 किलो का ऑर्डर देती है। अब यहां पे जब 15,000 किलो का ऑर्डर देती है तो रीऑर्डर क्वांटिटी 15,000 की हो गई, ठीक है ना। अब रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम मुझे बताओ, यहां पे लिखा हुआ था कि इसको मिनिमम एक दिन लगता है, मैक्सिमम दो दिन, तो यहां पे टू डेज आ जाएगा, यहां पे वन डे आ जाएगा। अब इसके अंदर कंजम्पशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कंजम्पशन कैसे निकलेगा, 30,000 एक महीने का डिवाइडेड बाय 25 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 25 दिन काम होता है तो एक दिन का कंजम्पशन रेट निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो यही चीज इन्होंने भी कर रखी है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसके बराबर का आंसर आना चाहिए, दैट इज 16,200। फटाफट से चेक करिए, बट इसके अंदर खास बात क्या थी बच्चों, खास बात क्या है कि स्टॉक ए जो है ये पेरिशेबल है, 10 दिन से ज़्यादा का आप स्टॉक रख ही नहीं सकते, या फिर आप रख भी लेंगे तो 10 दिन से ज़्यादा चलेगा ही नहीं, आप भरते जाओ उससे ऊपर। तो आप कितना एक दिन में कितना कंज्यूम करते हो, 30,000 डिवाइडेड बाई 25, और 10 दिन का रखना है अपने पास मैक्सिमम, तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा कितना, 12,000। तो ये एक लिमिट लग गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12,000 किलो। ये स्पेशल इसकी वजह से भाई पेरिशेबल आइटम है, यही नया पॉइंट लगा था मुझे आरटीपी में, अदरवाइज आरटीपी आपको सिंपल लगनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली इसका अगर मैं आंसर टिक मार्क करेंगे तो इसका हो जाएगा 12,000। इसका क्या था आंसर, ईओक्यू कितना कितना आ रहा था, 13,856 और 16, ठीक है। अब अगला निकालना है, कैलकुलेट दी सेविंग स्लैश लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल ए इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। अभी करंटली हम किस पे ऑर्डर दे रहे हैं बच्चों, 15,000 पे। अगर मैं ईओक्यू पे होता तो कितना देता, तो याद करिए हमने कैसे कैसे निकाला था कि तीन चीजों पे फर्क पड़ता है, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, तीन चीजों पे फर्क पड़ता है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना होता था। आइए इस चीज को भी निकालते हैं। अब यहां पे भी ना एक नया पॉइंट है, छोटा सा समझिए, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, 30,000 × 12, दैट इज 360,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा एक बारी में। अब मुझे ये बात बताओ, एक बारी में मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, 12,000, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 12,000 ही एक बारी में मंगवा सकते हैं। ये नोट नंबर वन लिखा हुआ है इसका, नोट नंबर वन पढ़वाते हैं आपका, कहाँ गया, यही लग रहा है क्या नीचे, एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा। सिंस मटेरियल गेट्स ऑब्सोलीट आफ्टर 10 days, द क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 10 days कंजम्पशन, 12,000 किलो आर वेस्टेड, हेंस आफ्टर 12,000 kg अ फ्रेश ऑर्डर नीड्स टू बी मेड। तो ऑर्डर कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर साइज 12,000 के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, आपने 15,000 का रख लिया, 3,000 वेस्ट है। आप रख लो ऑर्डर साइज 15,000 का, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कह रहे हैं तो हम वो भी करके दिखा देंगे। तो भाई इनके नंबर ऑफ ऑर्डर तो 30 ही 30 हुए ना, अगर यहाँ पे ईओक्यू 11,000 होता फिर डिवाइडेड बाय 11,000 होता, बट क्योंकि 12,000 है तो यहाँ पे कितना वेस्ट हो रहा है, 1,856, और यहाँ पे कितना वेस्ट हो रहा है, 3,000। समझ में आ रही है ये बात मैं जो बोल रहा हूँ? अब जो वेस्ट हो रहा है इसकी भी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, ये चौथा कॉस्ट है इसके अंदर, इससे पहले कभी नहीं आया, इस बारी क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई वेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे कितना वेस्ट हो रहा है, 3,000, 30 रुपये का, 30 के नंबर ऑफ ऑर्डर्स 30 बारी, और 27 रुपये की परचेज कॉस्ट है इसकी। ये नया पॉइंट है, दोबारा से इसके अंदर नया पॉइंट क्या आया कि भैया नंबर ऑफ ऑर्डर 30 निकले, कैसे कि भाई 12,000 के बियॉन्ड जितना भी रख लो वो खराब ही होना है, तो साल के अंदर अगर आपको इतना चाहिए, एक बारी में 12,000 कंज्यूम होगा, तो उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट के लिए आपको दोबारा से ऑर्डर देना पड़ेगा।
तो साल में 30 बार ये ऑर्डर। तो आइए एक एक करके निकालना शुरू करें। ऑर्डर साइज 15,000, ऑर्डर साइज ईओ क्यू के ऊपर, ईओ क्यू कितना था? 13,856, ठीक है ना। अब इसके अंदर पहली तीन कॉस्ट तो हमें काफी टाइम से पता है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। तो बच्चों यहाँ पे परचेज कॉस्ट कैसे निकल के आएगा, हमें 30,000 किलो चाहिए होता है एक महीने में, साल में 12 बारी, और मुझे ये बात बताइए परचेज प्राइस कितना रहता है 27 का। बताओ 27 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 30 रुपये पे 10% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा था ना। ये देखिए ना लाइन भूल गए आप, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसी वजह से हम 15,000 दे रहे हैं। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 इंटू इतना, अच्छा जबकि यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 12 इंटू 30, क्या समझ में आई बात? ऑर्डर कॉस्ट, बच्चों इसके लिए नोट क्या था कि नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों की केस में कितने निकल के आ रहे थे हमारे, 30। उसका रीजन क्या था कि 12,000 से ज्यादा लेकर आओगे वो वेस्ट है। अगर मैं यहां पे चौथी कैलकुलेशन रेड में लिख के दिखाऊं तो ये नया पॉइंट निकल के आएगा ऑब्सोलेसेंस का, ये ऑब्सोलीट हो जाता है। तो उस केस के अंदर यहां पे वेस्टेज कितनी हो रही है, यहां पे 3,000 की वेस्टेज हो रही है हर बारी, जबकि यहां पे कितनी वेस्टेज हो रही है 1,856। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, हर बारी तो नंबर ऑफ ऑर्डर 30 है तो ये 30 बार ही इतना वेस्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे ये भी 30 बार ही इतना वेस्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर कितना था हमारा 1200, यहाँ पे भी हो जाएगा 30 इंटू 1200, जैसे इन्होंने भी कर रखा है। नेक्स्ट हमारा कैरिंग कॉस्ट कैसे निकल के आएगा बच्चों, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, 15,000 ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू इसका 15% ऑफ परचेज प्राइस, समझ में आया ये? अच्छा यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, 15% ऑफ परचेज प्राइस इनटू 13,856 डिवाइडेड बाय 2, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ये जो रेड में मैंने लिखा बच्चों यही नया पॉइंट था, क्या ऑब्सोलीट जो हो रहे हैं क्वांटिटी, एक यूनिट का 27 रुपये प्राइस था, एक यूनिट का यहाँ पे 30 रुपया प्राइस था। तो ये रेड वाला हिस्सा ही नया है, इस क्वेश्चन में यही नया पार्ट लगा था मुझे, अदरवाइज तो कुछ भी नया नहीं था। फटाफट से इनके टोटलिंग निकालिए, चेक करिए बच्चों क्या यही टोटल बैठ रहा है, एज पर आरटीपी तो ये आ रहा है। कोई इंडिविजुअल अमाउंट्स चेक करने तो बताएं, मैच हो रहे हैं? ठीक है तो मुझे बताइए ईओ क्यू पे ज्यादा फायदा दिख रहा है या ऑर्डर साइज 15,000 रख के ज्यादा फायदा दिख रहा है, ईओ क्यू पे ज्यादा फायदा दिख रहा है या ऑर्डर साइज 15,000 रख के ज्यादा फायदा दिख रहा है, 15,000 रख के ज्यादा फायदा दिख रहा है भैया, हमारी कॉस्ट कम हो रही है। तो आपका कितने से कॉस्ट बच रहा है, 3,21,201,
इसके अंदर नया पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, नया पॉइंट बस यही था। एक तो ये जो 10,000 का इन्होंने 12,000 का डाल दिया ना, ये 10 दिन का, इसके चक्कर में काफ़ी सारा इफेक्ट आया है, समझ में आ रही है बात। तो इसके अंदर आंसर आपको पेपर में क्या टिक करके आना था कि भैया पैसा बच रहा है। पहले रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िए, कैलकुलेट सेविंग स्लैश लॉस इज इन परचेज ऑफ मटेरियल ए इफ द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओ क्यू, तो भैया लॉस हो जाएगा 321201 का। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या था, इसके अंदर आंसर टिक करके क्या आना है आपको, आंसर बी है। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आंसर सेम देख के जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िए। लॉस है, दो जगह आंसर लिखा हुआ है, प्रॉफिट वाला नहीं टिक करना था, लॉस हो जाता अगर ईओ क्यू पे ऑपरेट करेंगे। समझ में आ रही है रिक्वायरमेंट भैया, ये होना पेपर में। व्हाट वुड बी द मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, बच्चों यहीं पे करवा देते हैं इसको, मिनिमम स्टॉक लेवल का रीऑर्डर लेवल प्लस सॉरी माइनस, क्या था फॉर्मूला याद ही नहीं, एवरेज इंटू एवरेज। तो रीऑर्डर लेवल तो अभी इसका मैक्सिमम मैक्सिमम पीरियड कितना था, लीड टाइम 2 डेज का, इसका मैक्सिमम कितना था सॉरी इसका एवरेज कितना हो जाएगा 1.5 डेज का, और कंजम्पशन दोनों की सेम रेट पे निकलेगी 30,000 डिवाइडेड बाय 25, तो आधे दिन का निकल के आ जाएगा डिफरेंस। ये तो आपने अभी कितना 600, तो इसका 600 आंसर टिक किया, काम खत्म। सर एक बार इसका वो दिखाना ऊपर वाला डी वाला पार्ट आंसर में, ये इतना क्वांटिटी खराब हुआ, साल में 30 बार ही ऑर्डर दे रहे हो और परचेज प्राइस इतना है। जैसे आप घर के लिए खाने पीने की कोई आइटम लेकर आए तो एक्स्ट्रा लेकर आ गए तो वो खराब हो गई, अब आपको फेंकनी पड़ी, ऐसा साल में 30 बार ही कर रहे हो आप, और उसकी जो परचेज प्राइस है वो टोटली नुकसान हो गया आपका। समझ में आई बात, कोई डाउट्स, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, तो समझ में आया, ये थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज लेबर कॉस्ट के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आया है, ये लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए इसके बारे में भी समझते हैं। द बोर्ड ऑफ जे लिमिटेड हैज बिन अप्रेज्ड बाय जनरल मैनेजर एचआर दैट एम्प्लॉई एट्रिशन रेट इन द कंपनी हैज इंक्रीज्ड, द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बिन प्रेजेंटेड बाय द जीएम एचआर, मतलब लेबर टर्नओवर पे क्वेश्चन है ये। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स 50,000 घंटे, तो हम न्यू रिक्रूट्स पे कितना घंटा लगाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अगर मैं वर्किंग नोट्स बनाने शुरू करूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिखना नहीं है आपने वो हो जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स 50,000, ड्यूरिंग दिस पीरियड 60% ऑफ द एक्सरसाइज्ड वर्कर प्रोडक्टिविटी 60% ऑफ द एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। अब बच्चों इसको समझिए, मुझे ये बात बताइए, अगर 50,000 घंटे हमने ट्रेनिंग में लगाए 10 घंटा पर यूनिट के हिसाब से, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे को 5,000 यूनिट बनाने चाहिए, बट न्यू रिक्रूट इसका कितना बनाता होगा 60%, दैट इज 3,000, यानी कि 2,000 यूनिट का हमें नुकसान हो गया। कैलकुलेशन समझ में आई। नेक्स्ट, 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वर वॉज डिफेक्टिव, द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वॉज 25। मुझे ये बात बताओ, उसने यूनिट्स कितने निकाले न्यू रिक्रूट ने, 3,000। ये कह रहे हैं इस 3,000 में से भी 20% खराब निकलते हैं यूनिट्स, इस 3,000 का 20% कितना खराब निकलता है, 600 यूनिट खराब निकल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डिफेक्टिव यूनिट्स इस 25 रुपए के हिसाब से, इस पे इतना खर्चा लग जाता है भैया रिपेयरिंग का 15,000। लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये देखिए यहां पे वही निकाल रखा है। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1,00,000 घंटा, तो बच्चों मुझे ये बात बताइए, ये ट्रेनिंग के घंटों को और इसके घंटों को क्या टोटल मान के चल रहे हैं या अलग अलग मान के चल रहे हैं? याद है मैंने ऐसे कुछ करवाया था कि अजम्पशन लेनी होती है, ये 1,00,000 टोटल है या ट्रेनिंग के अलावा वाले घंटे हैं? नहीं, आप देखिए ना ध्यान से, ये 1,00,000 बोल रहे हैं ड्यू टू डिले है,
और यहाँ पे जो टाइम का नुकसान हुआ है वो 40% दैट इज 20,000 आवर्स का हुआ है, दिस इज ड्यू टू ट्रेनिंग। तो दो तरीके का नुकसान है, ट्रेनिंग की वजह से है और एक डिलेड रिक्रूटमेंट की वजह से। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? तो 100,000 घंटे का 10 घंटा पर यूनिट के हिसाब से 10,000 यूनिट और बनने चाहिए थे, तो 10,000 यूनिट का नुकसान हुआ और ऊपर से 2,000 यूनिट का नुकसान हुआ, तो 12,000 यूनिट का नुकसान हुआ है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले टाइम निकाल लो नुकसान का अनप्रोडक्टिव, फिर डिवाइडेड बाय 10 करके वो भी निकाले जा सकते, दोनों तरीके थे निकालने के। सेलिंग प्राइस है बच्चों 180, पीवी रेशो 20%, मतलब पीवी रेशो का मतलब कंट्रीब्यूशन इज 20% या वेरिएबल कॉस्ट इज 80%। सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इतना इतना इतना, तो ये तो बच्चों अगर वर्कर ना छोड़ के जाते तो इतना तो सीधा सीधा प्रॉफिट ही था हमारा। पहली रिक्वायरमेंट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इसके अंदर इन्होंने दोनों पार्ट्स निकाल दिए क्या? नहीं, इसके अंदर दोनों निकाल रखे हैं। ठीक है ठीक है, तो लिखिए बच्चों, ये तो बड़ा ही सिंपल है, आइए ये वाला थोड़ा डिटेल में लिखवा देता हूँ क्योंकि पहला पार्ट हाँ ऐसे है, इसको ऐसे लिखते हैं। ट्रेनिंग टाइम लिखो, ट्रेनिंग टाइम 50,000 आवर्स माइनस प्रोडक्टिव 60%, तो बाकी 20,000 क्या आ गया? अनप्रोडक्टिव। ये ट्रेनिंग टाइम का हो गया, ठीक है ना। टोटल अनप्रोडक्टिव टाइम कितना हो गया? 20,000 ट्रेनिंग का प्लस 100,000 डिलेड रिक्रूटमेंट का, तो टोटल 120,000 घंटों का नुकसान है। यूनिट्स लॉस्ट इज इक्वल टू 120,000 इंटू 1/10 विच इज 12,000 यूनिट्स, तो हमारा 12,000 यूनिट्स का नुकसान हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी, 12,000 यूनिट्स। क्या समझ में आई बात? निकालने का कोई और तरीका भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आरटीपी हार्डकोर तरीके से फॉलो करनी है, आप दूसरा तरीका भी ले सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 2, हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन द कंपनी इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर। भैया कंट्रीब्यूशन का मतलब जितने यूनिट्स बन जाते, मुझे ये बात बताइए रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स बनते इनटू सेलिंग प्राइस कितना था एक यूनिट का? 180 रुपये, और इसका पीवी रेशो कितना है बच्चों हमारे पास? 20%। ट्रिपल जीरो, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए था 432,000, दैट इज ए पार्ट, कि भैया इतना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है। बस थोड़ी ना वर्डिंग कैच करने की जरूरत थी यहाँ पे कि किस चीज की बात कर रहे हैं। तीसरा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव्स, ये तो अभी अभी निकाला, यहीं पे कर देता हूँ मैं। हमारे 30,000 घंटे डिवाइडेड बाय 10 घंटा वन यूनिट के हिसाब से हमारे 3,000 यूनिट निकल के आए, इसमें से भी 20% डिफेक्टिव है, और एक डिफेक्टिव यूनिट को ठीक करने के लिए कितना खर्चा लग रहा था हमारा? 25 रुपये का, तो कितना हो गया ये? 15,000 रुपये। समझ में आया सीधा सीधा? कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर, ये तो बड़ा ही सिंपल बच्चों, एक तो हमारा ये नुकसान हो गया, ये 15,000 का भी नुकसान हो गया, रिपेयर करवाना पड़ेगा ना। उसके अलावा और क्या नुकसान हुआ बच्चों हमारा? ये 3 खर्चे जो सेटलमेंट, ये तो इनको बेसिकली प्लस करना था। कैसे? ये देखिए, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 निकाली,
रिपेयर का खर्चा, ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 निकाली, और ये तीनों खर्चे एज इट इज गिवन थे, इन सबको प्लस किया 9 लाख रुपए का सीधा सीधा आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत है, बस समझ में आ जाता है तो दिमाग में जाता है, बस इसके अंदर रिपेयर का खर्चा ध्यान रखना। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर्स, भैया न्यू वर्कर्स के इनएक्सपीरियंस की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ, 2000 यूनिट्स का, अगर एक्सपीरियंस होते 2000 एक्स्ट्रा बन जाते। हालांकि इसमें भी एक मॉडिफिकेशन ये बोला जा सकता है, चलो वो तो कॉस्टिंग में ठीक हो गया, ठीक है 2000 आंसर बैठ सकता है, एक बारी के लिए बच्चा ये कह सकता है नहीं सर जो डिफेक्टिव है उसको भी कंसिडर कर ले, बट उसका कॉस्टिंग ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है तो उसको फिर नहीं करना है, तो 2000 इसका आंसर रहेगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ तक हम, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट ओवरहेड्स का चैप्टर, बच्चों ओवरहेड्स के अंदर आपको ध्यान होगा कि मोटा मोटी 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते थे, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मशीन आर्ज वाला या ओवर या अंडर रिकवरी, तो देखते हैं आपको कितना कैच हो रहा है कि ये कौन से उसमें से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। अच्छा सारे पार्ट्स लिख के करवाने की जरूरत है या मोटा मोटा समझ में आ गया तो चलो हो गया ऐसे, ठीक है ना। अगर कोई हैवी क्वेश्चन आता है तो देखते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग ऑफ पी लिमिटेड कॉस्ट वेरियंस रिपोर्ट वॉज डिस्कस्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स वर असेस्ड, द फॉलोइंग फिगर्स वर प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर ये सब गिवन है। बच्चों क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, किस चीज का क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला था इस चैप्टर में से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेजरली, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मशीन आर वाला या अंडर या ओवर रिकवरी, तो क्या दिख रहा है ये पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। तीसरे वाला केस है अंडर या ओवर रिकवरी निकालना और फिर उसका ट्रीटमेंट बताना, कुछ याद आ रहा है बच्चों। तो अंडर या ओवर रिकवरी निकालने के लिए एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है, द अबव अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स, ये बच्चों वन टाइम एक्टिविटीज या एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं, इसको एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड में से माइनस करना होता है। अगर आपने ओवरहेड के अंदर सारे मेरी बुक फॉलो किए हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पास्ट ईयर्स में आ रखा है, सेम वैल्यूज अलग हो सकती है, सेम फॉर्मेटिंग सेम है। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, अंडर या ओवर रिकवरी, तो पहला स्टेप होता है बच्चों अंडर या ओवर रिकवरी निकालना, और दूसरा स्टेप क्या होता था उसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है। तो फिनिश्ड गुड्स है हमारे 110,000, वर्क इन प्रोग्रेस 50% काम कंप्लीट है 80,000, तो 80,000 के हम 40,000 यूनिट्स लेके चलेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लग जाता था। 110,000 में से 90,000 बेच दिए तो 20,000 क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा और 90,000 सोल्ड में चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इनकी कैटेगरीज देखूं तो इसे बोलते थे WIP लेजर कंट्रोल, इसे बोलते थे फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल, और इसे बोलते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स। मशीन वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड 3000 घंटे, तो एक्चुअल में 3000 घंटे काम हुआ। एट द प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू बजट इट वॉज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब ये साल के स्टार्टिंग की बात चल रही है, याद है वो ग्राफ, साल के स्टार्टिंग में ऐसा सोचा था बट एक्चुअल में ऐसा हो गया, एक्चुअल में ऐसा हो गया, समझ में आ रही कहानी। ड्यूरिंग द मीटिंग डाटा एनालिटिकल रिपोर्ट रिवील दैट 40% ऑफ अंडर या ओवर रिकवरी वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसीज, कुछ याद आ रहा है कि मैनेजमेंट की गलती है। 3 तरीके के इलाज बताता था डॉक्टर, सप्लीमेंट्री रेट, कॉस्टिंग पीएनएल या कैरी फॉरवर्ड। कॉस्टिंग पीएनएल के लिए बहुत छोटा मोटा अमाउंट हो, एबनॉर्मल रीजन हो या मैनेजमेंट की गलती हो तो वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाता था। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक एक करके बच्चों अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मांगा है। हाउ मच वॉज द बजटेड मशीनर रेट यूज टू रिकवर द ओवरहेड्स, मैं अगर इसको पहले ये सारा बनवा ही दूँ फिर उसके बाद एक एक करके आंसर करते चले जाएंगे तो ईजी सा पार्ट लग रहा है। यहाँ ये तो इजी सा लग रहा है, पहले इसको मैं ना सारा बनवा देता हूँ फिर उसके बाद लिखते हैं इसको। आइए तो इसका वर्किंग नोट बनवा के करवाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अंडर / ओवर रिकवरी, पहले बीमारी क्या है आपको वो बताएं। इसके लिए 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता था बच्चों, किस चीज़ का, एक्चुअल ओवरहेड वर्सेस रिकवर्ड ओवरहेड। अब
इसके नीचे ना थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ और एडजस्टमेंट भी है, तो यहाँ पे चार पांच लाइनें छोड़ के फिर लिखेगा रिकवर्ड ओवरहेड। तो बच्चों हमारा एक्चुअल ओवरहेड कितना था, 340,8000। अब इसमें से ना ये वन टाइम एक्टिविटीज पुराने टाइम पीरियड के खर्चों को एक्सक्लूड करना होता था क्योंकि हम करंट टाइम पीरियड के एक्चुअल ओवरहेड को लेके चल रहे हैं। पेड एज पर कोर्ट्स ऑर्डर, एबनॉर्मल आइटम, एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, पेड टू वर्कर्स, स्ट्राइक पीरियड, वन टाइम एक्टिविटी, ऑब्सोलीट स्टोर, रिटर्न ऑफ वन टाइम एक्टिविटीज, तो ये सारी चीज़ों को हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ से ये माइनस करिए, इसका टोटल ही माइनस कर देते हैं। इसका टोटल कितना हो गया, 489, नहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, बताइए 1-1 करके लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, कितना हो गया टोटल इसका, ये देखिए इसका टोटल 10,06,006,000। तो आपका ये कितना आ गया, 2,004,2,000। इसका कंपैरिजन होता था रिकवर्ड ओवरहेड के साथ। बच्चों रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकलता था, एक्चुअल आर्स, क्योंकि आर्स का बेस ले रखा है, इनटू रिकवरी रेट। इस क्वेश्चन में एक्चुअल आर्स कितने गिवन है हमारे पास, 3,000 घंटे, और रिकवरी रेट कैसे निकलेगा बच्चों, साल के स्टार्टिंग में सोचा था, साल के स्टार्टिंग में सोचा था, कुछ याद आता है, तो रिकवरी रेट कितना आ गया इसका, 840 रुपये पर घंटा। तो रिकवर्ड ओवरहेड कितना हो गया, 25,000। ठीक है, तो अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है बच्चों, ओवर रिकवरी हो गई है, ओवर 1,18,000। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 1,18,000 की ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है। अब बच्चों बीमारी निकालने के बाद इसका इलाज करते थे, 1,18,000 का इलाज क्या है बच्चों, दो तरीके में इलाज होगा इसका, ये कॉपी हो रहा है ना साथ साथ में, ठीक है ना। अब इसका दो तरीकों में इलाज होगा बच्चों, दो तरीकों में इलाज क्या था, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट की गलती है, क्या लिखा हुआ था, 40% मैनेजमेंट की गलती है, तो इसका 40% कॉस्टिंग PNL में जाएगा और इसका 60% सप्लीमेंट्री रेट में जाएगा। तो इसका 40% कितना हो गया बच्चों, 47,200 रुपीज। बताइए ओवर रिकवरी के एंट्री क्या चले जाती थी, ओवरहेड कंट्रोल टू कॉस्टिंग PNL, हालांकि मांगी जाए ना मांगी जाए वो देखनी पड़ेगी, मांगी गई है एक एंट्री, देखें जरा, मांगी तो नहीं है बट ये याद है हमें। अच्छा सप्लीमेंट्री रेट के लिए ओवरहेड कंट्रोल अमाउंट कितना बैठ रहा है टोटल इसका, 60%। इसका तीन जगहों पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, WIP लेजर कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलेगा बच्चों, 70,800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने थे बच्चों, 20 + 90 = 10 + 40 = 50। कुछ याद है कि क्यों हमने क्या कैसे किया, याद आता है ना, 40% इसका वो फिनिश गुड्स में प्रोपोर्शनेट, बेसिकली इस रेशो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो कितना हो गया ये, 0.47। तो यहाँ पे हो जाता था 0.472 × 40,000, 0.472 × 20,000 और 0.472 × 90,000।
अमाउंट्स निकलते रहेंगे बच्चों, कॉपी करने पे ध्यान दीजिएगा, सब लिखा हुआ है आपके आरटीपी में, बस मैंने उसको एक ऐसे फॉर्मेट में करवा दिया कि आपको रिकॉल हो जाए और कुछ नहीं करवाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तो सारा क्वेश्चन ही हो गया ना, अब एक एक करके आइए बच्चों, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और एज पर आईसीआई देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या मांगा था। रिक्वायरमेंट नंबर वन, हाउ मच हैज बीन द बजटेड मशीन आर यूज्ड टू फॉर रिकवर्ड ओवरहेड, बताइए कितना था रिकवरी रेट। 840, ये देखिए 840, आप अपने आंसर चेक करते जाइएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर टू, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन रिकवर्ड, रिकवर्ड 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवर या अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, ध्यान से अब ये जल्दबाजी में नहीं कर दीजिएगा, 118,000। अगेन ये प्रेजेंटेशन पेपर में मेरा सजेशन यही है, करके दिखाओ। नेक्स्ट, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री रेट, 0.472, इसके लिए इन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है, 0.472, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन अपोर्शन टू WIP, WIP में कितना चला गया, 18880, ये कैसे निकला था बच्चों, 40,000 इंटू 0.472, है ना। तो इन्होंने पूरा नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा था, इन्होंने करके पूरा दिखा रखा है, तो बात एक ही है, कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए उसी का MCQ बन गया, खत्म, ईजी। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नथिंग न्यू, ये आपका मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, रेपिटेटिव क्वेश्चन है। अब यहाँ से शायद मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव कह रहे हैं, तो MCQs खत्म हो गए, यस MCQ खत्म हो गए हैं, 30% नहीं नहीं ये जो आ रखे हैं, अगर इतना लेवल रखते हैं तो ये 10-10 नंबर का एक रखता है, क्योंकि आप ये देखिए ये वैसे क्वेश्चंस आप चेक करेंगे ना पास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर, तो ये 10 नंबर तक का आ जाता था, ये पूरा 10 नंबर का था तीनों क्वेश्चन, तो शायद अगर 5 काटे तो एक बार 2 नंबर का हुआ, अभी तक तो यही दिख रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बच्चों, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में से एक आधा किया भी हो सकता है आपने। आइए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको एक ही स्टेटमेंट बोली थी, जो जितना खाएगा वो उतना ही बिल भरेगा, बस उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस करने होते हैं ABC के, और इसमें कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज एनालाइजिंग द कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट जेड, इट हैज डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर्स यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, इट बाइज प्रोडक्ट जेड एट 5400, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई पर यूनिट के हिसाब से, एंड सेल्स एट रिटेल्ड लिस्टेड प्राइस ऑफ 6480, समझ में आ रहा है, इतने का खरीदा इतने का हम बेचते हैं। ABCDE पांच कस्टमर हैं, इतने इतने यूनिट्स खरीदते हैं, लिस्ट प्राइस सबका बराबर है, बट देखिएगा इसको एक्चुअल में इतना दे रहे हैं, मतलब बीच का डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, डिस्काउंट, बस इतनी सी बात है कि डिस्काउंट के हिसाब से बंदा सही कर रहा है या नहीं। इसने कितनी तरीके की एक्टिविटी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए, कॉस्ट पूल स्टेटमेंट बनाते थे, इन्होंने कहा टेंशन ना लो, ऑलरेडी कॉस्ट पूल स्टेटमेंट बना के दे दिया, अगर मैं इसके अंदर लेबलिंग करूं तो कितने तरीके का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब मुझे ये बात बताओ, ऑर्डर टेकिंग 4500 पर परचेज ऑर्डर, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। कस्टमर विजिट्स किस पे डिपेंडेंट होगा, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, खत्म बात। डिलीवरीज, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से, अगर सिर्फ पर डिलीवरी लिखा होता तो काम चल जाता, ये लिखा है पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल, तो आपको इसमें क्या करना था, जितने नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं और जितने नंबर ऑफ किलोमीटर हैं इनको मल्टीप्लाई करना था, और फिर 7.5। अगर यहाँ पे फ्लैट ऐसा लिखा होता कि पर डिलीवरी या पर, वैसे तो ये पर किलोमीटर ही हो गया, ये पर किलोमीटर मेंशनड है, अगर यहाँ पे सिर्फ पर डिलीवरी लिखा होता तो इनटू 10 हो जाता, तो जल्दबाजी में ये गड़बड़ नहीं करनी थी, छोटा सा पॉइंट था। प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट दिस पर यूनिट सोल्ड,
ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, जितने यूनिट्स बेचे के हिसाब से, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ये यहाँ पे सही नहीं है, ये तो बेसिस हो गया, ये ना ये बेसिस हो गया हमारा, ये एक्टिविटीज हैं जिसका कॉस्ट पूल स्टेटमेंट बनता था, ठीक है ना। एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज, मतलब थोड़ा सा हो सकता है ऐसा कोई हो कि कस्टमर ने बड़ी अच्छी सर्विस चाहिए, 13,500 रुपये लगे, एक ही कस्टमर ने मंगवाया ऐसा खर्चा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स। तो आपको बेसिकली बस क्या करना था, इनका प्रेजेंटेशन देखोगे इन्होंने थोड़ा उल्टा सीधा कर रखा है, आप वैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा इजी प्रेजेंटेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हेलो, नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, तो यहां पे हमने लिखा पर्टिकुलर्स, कस्टमर ए बी सी डी ई, ठीक है ना। इसका कॉस्ट पूल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन करते चले जाएं। अब मैं ना आराम आराम से पिकअप कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बाद में हो जाएंगी, आप हर जो जो हेडिंग लिखेंगे उसके दो दो लाइनें समझ के चलेगा, एक में मैं ब्रैकेट में लिख के समझाऊंगा और दूसरे में फिर क्या हो जाएगा आपका वो अमाउंट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेल्स लिखिए, सेल्स एट लिस्ट प्राइस में से अगर मैं माइनस कर दूं डिस्काउंट, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, सेल्स एट एक्चुअल प्राइस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब मुझे ये बात बताओ कितने यूनिट्स बेचे, 4,500, इतना है लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस तो खैर कॉमन है सबका, तो ये हो जाएगा 4,500 इंटू 6,480, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी का 6,000 इंटू 6,480, 9,500 6,480, 7,500 कैलकुलेशन बाद में हो जाएंगी, 6,480, 12,750 6,480, ठीक है ना। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लिखना है बच्चों, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस इसका 6,480, तो इसका हो जाएगा 4,500, यानी कि इस बंदे को कोई डिस्काउंट नहीं मिला, यहाँ पे हो जाएगा 6,372, तो 6,000 6,372 के हिसाब से बेचा है, 5,940 6,264 और आखिरी वाले का 5,832। ठीक है ना, ये समझ में आया बच्चों। कैलकुलेशन होती रहेंगी, आप लॉजिक समझते जाएं, वो तो सारा आपको यहाँ पे भी गिवन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे भी गिवन है आपका, वो सब निकल जाता है, वही चीज़ कर रही है, तो आप वही चेक कर लेंगे बाद में, मैं लास्ट में टाइम दे दूंगा। अब बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट निकल जाएगा, इसमें से हमें क्या माइनस करना है बच्चों, सबसे पहले COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक यूनिट कितने का खरीद रहे थे हम, 5,400, तो एट द रेट 5,400, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करके दिखाओगे बच्चों, 4,500 इंटू 5,400, 6,000 इंटू 5,400, 9,500 इंटू 5,400, 7,500 इंटू 5,400, 12,750 इंटू 5,400, क्या समझ में आती है बच्चों बातें, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद शुरू होता है जो हमारा बाकी के खर्चे, जो किस पे डिपेंडेंट थे, इसके कोई हेडिंग वेडिंग लिखी हुई है, आफ्टर डिटेल द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड रिस्पेक्टिव कॉस्ट, इसको कैसे लिखे हैं फिर, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कॉस्ट,
सर जो आपने क्वेश्चंस कराए थे आपने दो चीज बनवाई थी, एक क्वेश्चन बनवाई थी और एक कॉस्टफुल स्टेटमेंट बनवाई। कॉस्टफुल तो पहले बना दिया ना इन्होंने, कॉस्टफुल बना दिया, तो ये जो आप बना कॉस्टशीट ही हो गई सीधा कॉस्टशीट बस। वही तो कह रहा हूँ कि सब करके दे रखा है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप अगर अपना चेक करेंगे ना क्लास की बुक, उसके अंदर आपको मिल जाएगा बहुत बारी। बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने तरीके की थी बच्चों? पांच तरीके की। पहला ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट, दो लाइनें छोड़ दीजिएगा। दूसरा आप इसके हिसाब से बच्चों करिए, पांच लिखिए। चलिए तो यहाँ पे क्या था, ये 4,500 के हिसाब से ऑर्डर टेकिंग हो गया। दूसरा खर्चा कौन सा है? ये साथ साथ में करते ही जाएं, साथ साथ में फिर पहले सारे कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। दूसरे खर्चे का नाम क्या? कस्टमर विजिट। तीसरा डिलीवरीज, प्रोडक्ट हैंडलिंग, डिलीवरी। तो बेसिकली इस सेल्स में से COGS और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट, कस्टमर वाइज प्रॉफिट, है ना। अब बस इसके अंदर समझना रह गया है कि क्या क्या है। तो ऑर्डर टेकिंग का क्या लिखा है बच्चों? 4,500 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से। तो 4,500 इंटू 15, तो लिख लो 4,500 इंटू 15, 4,500 इंटू 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, ठीक है ना। कस्टमर विजिट का खर्चा कितना है? 3,600 पर कस्टमर विजिट। दो तीन छः, दो तीन, दो तीन छः, दो तीन, ठीक है। नेक्स्ट डिलीवरी का खर्चा। अब बच्चों डिलीवरी का खर्चा 7.5 रुपये पर किलोमीटर है, तो 7.5 इंटू 10 इंटू 20, समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट 30 इंटू 6, सिक्सटी इंटू फाइव, 40 इंटू 10, 20 इंटू 30, 30, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 22.5 पर यूनिट के हिसाब से, यूनिट्स कितने कितने बेचे बच्चों? 4,500, 6,000, नहीं 4,500, 6,000,
9,500, 7,500, 12,750, ठीक है ना। और आखिरी वाले में क्या है, किसी का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे ने किया है 13,500 का खर्चा। क्या समझ में आई बात, क्लियर हुआ ये? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन करना था। बेशक आप यहां से एक मैच भी करके देखेंगे, उसी तरीके से कर रखा है सर इन्होंने, बस थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंटेशन कर दिया होगा। पहले इन्होंने ये सारी कॉस्टिंग निकाल दी, फिर उसके बाद इन्होंने लिस्ट प्राइस COGS माइनस किया, ग्रॉस मार्जिन आ गया, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस किया, फिर आपका इनकम आ गया। तो वो मैंने सारा एक ही प्रेजेंटेशन में करवा दिया, तो कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। क्या समझ में आता है? आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले वाले का निकाल के देख लीजिए, कोई भी एक कस्टमर का, कोई भी एक आधे कस्टमर का निकाल के आपस में मैच करके देख लीजिए, ए का, बी का, सी का, सभी अलग अलग निकाल लो, बेशक उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ए कोई बी निकाल लो, कोई सी निकाल लो, कोई डी, जब फटाफट से निकाल के एक चेक कर लीजिए कि सही है, तो बाकी उसी तरीके से करने हैं बस। कोई भी एक निकल जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे सीधा। ए का निकल गया, बस ठीक है। इसका मतलब एक मैच हो गया, सारे वैसे ही करने हैं, काम खत्म, आगे बढ़ने लगे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों किसका, कॉस्ट शीट का। पी लिमिटेड हैज गैदर्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेजर्स एंड अदर सोर्सेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, द इन्फॉर्मेशन आर टैबुलेटेड बिलो। आपको बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आना चाहिए और ये बताना है कौन सी चीज़ कहाँ आ रही। रॉ मटेरियल परचेस्ड, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं दिखती मुझे, ये तो यहीं से हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेस्ड। फ्रेट इनवर्ड्स टॉप पे आ जाएगा, रॉ मटेरियल का एक पार्ट बन जाएगा, यहाँ पे आ गया। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा याद करिए, पावर एंड फ्यूल के अंदर ICI पावर एंड फ्यूल को डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता है। जॉब चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, आइए पहले इन चारों को टिक मार लें। डायरेक्ट वेजेस आ गया, रॉयल्टी पेड आ गया, अमाउंट पेड टू पावर आ गया, जॉब चार्जेस आ गया, ठीक है ना, चारों हो गए। अब स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, कभी कभार ICI इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान रहा है, बट वैसे तो ओवरहेड ही है, यहाँ पे ICI ने इसको ओवरहेड ही माना है। कुछ ना लिखा हो तो फैक्ट्री ओवरहेड, लॉजिक अगर समझ में ना आ रहा हो तो फैक्ट्री ओवरहेड में यूजुअली होगा सबसे पहले, तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन या जनरल? जनरल, कुछ ना लिखा हो तो जनरल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा डायरेक्ट नेचर का होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है ओवरहेड। और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होगा, फैक्ट्री के अंदर, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस बच्चों इनडायरेक्ट होता है, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार बच्चा कहता है सर ऑफिस भी तो लिखा है, तो सेल करने की जगह के ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है, हेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ओवरहेड कौन सा, फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है ये, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर इंश्योरेंस, फैक्ट्री, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, स्पेशल आइटम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशल आइटम, पोल्यूशन, स्पेशल आइटम है पोल्यूशन नहीं। यहाँ पे बच्चों पहले तो स्पेशल आइटम देख लीजिए, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पांच स्पेशल आइटम होती थी, क्वालिटी, रिसर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, स्क्रैप का रिकवरी माइनस प्राइमरी पैकिंग। तो पोल्यूशन कंट्रोल आपको क्या लगता है पोल्यूशन कहाँ होता होगा, फैक्ट्री के अंदर, तो हैंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनना चाहिए। यही लॉजिक लगा के तो मैंने बोला था कि भैया आपको दिमाग लगाना है बस। नेक्स्ट सैलरी पे टू सेल्स एंड मार्केटिंग, ये तो नाम से समझ में आना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अब ICAI देखिए सेलिंग का अलग लेती है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग लेती है, आप अलग अलग लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सैलरी पे टू जनरल मैनेजर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जनरल नेचर का, नाम से समझ में आना चाहिए। तो पैकेजिंग कॉस्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो ये रहा सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा और स्पेशल आइटम ऊपर की तरफ, हाईली स्कोरिंग। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बताइए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा, जनरल नेचर का। अच्छा परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेल्स स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा और फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला। नेक्स्ट ये तो सबसे इजी, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ये कहाँ कहाँ जाता है बच्चों एक बार देख ले, रेड से मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद COGS से पहले, फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस WIP, और ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग। लास्ट में बच्चों स्क्रैप के बारे में लिखा हुआ है, स्पेशल आइटम हो गई 48,000 नेगेटिव। क्या ये समझ में आया हमें, क्लियर होता है यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा था तो यही बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ तक क्लियर होता है हमें, समझ में आता है? नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि रिकंसिलिएशन प्लस इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इसमें से क्वेश्चन आ रखा है, ये मेरे हिसाब से रिकंसिलिएशन का आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अ कंपनी रिवील द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओपनिंग स्टॉक है बच्चों यहाँ पे, WIP का ओपनिंग स्टॉक भी है, ये सारे खर्चे गिवन है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स पेड, बैड डेट्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, रेंट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक 875 का है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सेल्स है बच्चों हमारा कितना 14,500, क्लोजिंग स्टॉक है 375, तो 14,875 हो गया, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक कितने का था हमारा 875 का, तो 14,000 हमारा क्या हो गया यूनिट्स, प्रोड्यूस्ड। क्या समझ में आई बात, तो 14,000 हो गया हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्लियर है यहां तक हम? अब यहां पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स दैट इज कॉस्ट शीट या कॉस्टिंग PNL, एंड एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्ट नंबर 2 में कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ये तो सिंपल सी बात बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन करना है, तो आइए इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो इसी में से देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगता भी नहीं है। डेबिट साइड पे सारा ओपनिंग स्टॉक और खर्चे चले गए, क्रेडिट साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक और इनकम चले गई,
तो आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 70425 आ गया, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें जो दिमाग लगाना है वो कहाँ लगाना है बच्चों? कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर। आइए इसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 6। क्वेश्चन नंबर 6। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट एंड वेरियंस एनालिसिस यूजेस द फॉलोइंग कॉस्ट रिकवरी बेसिस विच हैज बीन इलेबोरेटेड बाय द कॉस्ट कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। मतलब मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि अगर कोई डाटा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मिसिंग है, सॉरी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मिसिंग है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का डाटा पिक कर लेंगे। बट अगर जैसे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड के बारे में लिखा है, द कंपनी वैल्यूज WIP एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ दिस एंड दिस, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो चार आइटम जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये फॉलो होंगी, अदरवाइज बाकी डाटा हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड से बोरो करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा बच्चों कॉस्ट शीट। आइए इसमें से देखते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, यस। तो यहाँ पे लिखा मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया बच्चों? 7,84,000। फिर इसके अंदर क्या जुड़ेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 465,000। इनके टोटल को क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 12,49,000। इसके अंदर जुड़ेगा बच्चों क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में अलग से डाटा मेंशन्ड है? यस, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये हो जाएगा 60% ऑफ 465,000। 2,00,000 ये हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट? 15,28,000। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप देखेंगे पहुँच गए। फिर ओपनिंग क्लोजिंग WIP आता है, वो कहाँ से लेंगे बच्चों? हम यहीं से ले लेंगे, और लिखा भी हुआ था कि वो सेम ही रहेगा। तो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक 33, क्लोजिंग स्टॉक 48,200। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद क्या आता है बच्चों? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या क्वेश्चन में अलग से गिवन है? यस, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कौन से वाला फैक्ट्री कॉस्ट, तो ज्यादातर ICA नेट वाला ही लेके चलता है। तो एक बार देख भी लेते हैं ICA ने कौन सा ले रखा है ताकि आंसर मैच हो सके। ये 20% इसका निकाल रखा है, देखिए एक बारी। यस, तो इसी का निकाल देंगे 3,00,000। ठीक है ना? उसके ऊपर वाला ही निकाल देंगे, इससे निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये समझ में आया? अब आराम से 2 मिनट यहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या बोलता था बच्चों? आती है डेंजर एडजस्टमेंट, लिखना कुछ नहीं है, सुनने पे ध्यान दे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इससे क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हमने साल के दौरान, ये हमने निकाला था ना 14,000। इसको ब्लू में लिखता हूँ। तो 14,000 यूनिट्स का कॉस्ट इतना है, तो एक यूनिट का कितना हो गया?
लिखना नहीं है कुछ भी, बस अमाउंट बताते जो जल्दी जल्दी। 129.66 ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमें कितने यूनिट्स का गिवन था बच्चों? 875। और एक यूनिट का रेट ना हमें अलग से मेंशन था, 105 रुपये। कितना हो गया ये? 91। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का था हमारा? 375 यूनिट्स का। ये रहा ना 375 यूनिट्स है। तो आपने बेचे कितने यूनिट्स हैं? तो सॉरी 14,500 यूनिट्स। क्या समझ में आई बात? क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो तो मैंने क्या बोला था, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? लीफो फीफो वेटेड एवरेज फीफो। क्या इस क्वेश्चन में मेंशनड है? नहीं। तो क्या फॉलो करना है? फीफो। फीफो का मतलब जो पहले आया है वही पहले बाहर निकला होगा, पहले इसमें से बाहर गया होगा फिर इसमें से गया होगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ से बच रहा होगा? यहीं से बच रहा होगा। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ से बचाना चाहूँ, यहाँ से निकालना चाहती हूँ, हो जाएगा 1815360 डिवाइडेड बाय 4,86,000। क्या 4,86,000 इतनी कैसे हो जाएगी? 48,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया तो कितना हो गया सी ओ जी एस? ठीक है ना। तो बच्चों सी ओ जी एस का वैल्यू देखिए, हम मैच करते हैं, उन्होंने भी निकाला होगा। कांग्या क्या इसके अंदर ये प्लस करना है या माइनस करना है? चेक करें कहाँ पे इन्होंने भी निकाल रखा है। 185869 अप्रोक्सीमेशन की वजह से वो एरर है 1 रुपये का। इसको कॉपी कर लें बच्चों। इसके बाद क्या जुड़ता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। क्या वो हमें अलग से गिवन है? यस, 5 रुपये पर यूनिट सोल्ड। तो ये हो जाएगा 14,500 × 5 कितना हो गया? 7,500। तो इससे निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट जोड़ेंगे कितना? 7,860। गलत बता रहे हैं आप, 72 और 58 को जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा 1,9,3,1,1,1,0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 
तो हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया कितना, 14 ठीक है। करिए फटाफट से कॉपी, हो गया है कॉपी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको करने के बाद आपसे पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली है। अच्छा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी हमारा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लिया हमने 129.67, रिक्वायरमेंट नंबर टू में मेंशन कर सकते हैं। फिर पीएनएल आपको रिकंसिलेशन करना है,
आई एक एक करके आइटम देखते हैं। मैंने कैसे बोला था, एक जगह पे आप इसको पिक कर लीजिए कॉस्ट शीट को, और दूसरी जगह पे आप कॉस्टिंग उसको पीएनएल को पिक कर लीजिए। जो जो आइटम आती जाए उसको टिक मारते जाओ, और डिफरेंसेस सेम टिक, सेम टिक। क्या ये डिफरेंस है? यस। अब यहाँ पे देखिए कॉस्टिंग पीएनएल के हिसाब से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से प्रॉफिट आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिख रहा था? ओवर एब्जॉर्ब, तो ऐड बैक कर दिया। इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए, हमें फॉर्मेट डिस्कस करने पे नहीं आ रहा हूँ। फिर आपका डब्ल्यू आई पी, ये दोनों जगह सेम था, तो मैंने डब्ल्यू आई पी पे गया, ये सेम। नेक्स्ट, फिर हमने आगे देखा बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस को हमने एलिमिनेट किया, अंडर रिकवरी था तो माइनस कर दिया। तो कॉस्ट शीट का बेस रखते हुए एक एक करके, ऑफ ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है, यस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है, यस। तो ओपनिंग स्टॉक रीवैल्यू ओवर वैल्यूड कर रखा है तो ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर ओवर वैल्यूड दिख रहा है तो माइनस करना होता है, ऑपोजिट ट्रीटमेंट होता है, तो इसको हमने यहां से टिक कर दिया। क्या है, समझ में आई बात? नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आगे, ये रहा ओवर रिकवरी दिख रहा है, ऐड बैक। नेक्स्ट, प्रॉफिट तो कर दिया, सेल्स सेम है दोनों जगह, समझ पा रहे हैं? तो जो टिक मारने रह जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो आइटम जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आ रही है, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, इनकम टैक्स, बैड डेट्स, ये वाली इनकम साइड पे चले जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड बैक कर देते हैं और इनको माइनस, तो इन दोनों को ऐड बैक कर दिया और इन तीनों को माइनस, हो गया रिकंसिलिएशन रेडी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक हमें? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आता है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। ये वाला चैप्टर वैसे तो बड़ा इजी है, जॉब कॉस्टिंग में से नहीं डाला इस बार, मैं बैच कॉस्टिंग में से डाल दिया है सीधा। अगर पहले मैं इसकी रिक्वायरमेंट दिखाऊं तो रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है बच्चों हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट स्लैश लॉस पर बैच एंड ऑल्सो कंप्यूट द ईबीक्यू। ईबीक्यू मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एक एक करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अर्नव लिमिटेड ऑपरेट्स इट्स इन बेवरेजेस इंडस्ट्री वेयर इट मैन्युफैक्चर्स सॉफ्ट ड्रिंक इन थ्री साइजेस, 3 लीटर, 1.5 लीटर, 600 ml। एक लीटर के अंदर 100 ml होता है, 1000 ml होता है, तो ये ध्यान रखना है, आगे जाके यूनिटरी मेथड में काम आएगा। द प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इन बैचेज, द 5000 liter कैपेसिटी प्रोसेसिंग प्लांट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी इतना, मतलब एक बारी में आप 5000 liter की कैपेसिटी रखता है प्लांट। तो इसके मैं साथ साथ में वर्किंग दिखाता हूँ आपको, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर, इसके ऊपर ना थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूनिटरी मेथड आ जाएगा एक टाइम के बाद। 5000 / 3 liter, तो मैक्सिमम बॉटल आप इतनी बना सकते हो लार्ज की एक टाइम पे, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ये समझ में आ रहा है? राउंड ऑफ कर दिया गया है, वो नीचे लिखा भी है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स एक बैच में इतनी 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 बनाई जा सकती हैं तीनों ब्रांड की, मतलब ब्रांड मतलब तीनों लेवल्स की, कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा, जब हम बैच को इसको स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड 90 kW/h, 90 kW कंज्यूम होता है पर आर के हिसाब से, एंड बैच टेक्स 1 hour 45 minutes टू कंप्लीट। ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ बॉटल्स कैन बी प्रोसेस्ड एट अ टाइम, ऐसे नहीं कि कभी मीडियम लगा दी कभी, अगर बैच चालू किया है तो या तो लार्ज ही बनेंगी या मीडियम या वो। मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट, तो पूरे एक बैच के लिए इतना ऑपरेशन हो गया, इतना सेटअप का टाइम हो गया, तो 2 घंटे लग रहे हैं। टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द सेटअप पावर कंजम्पशन इज 20%, मतलब 90 kW इंटू 15 मिनट डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स का 20% कंजम्पशन ही हो पाता है।
समझ में आ रहा ही है क्या जा रहा दिमाग में? जबकि रनिंग के टाइम पे कितना हो जाएगा, 90 किलो वॉट्स इंटू 105 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 105 मिनट हो गए ना यूनिटरी मेथड, तो इसको भी निकाल रखा है। आइए देख लेते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं निकाला है, जब आएगा तब देख लेंगे, फिलहाल के लिए समझ में आया कैलकुलेशन। अब बच्चों इनकी डिमांड कितनी रहती है, 3 लाख बॉटल की, 7.5 लाख और 20 लाख बॉटल की। तो मुझे ये बात बताइए, 3 लाख डिवाइडेड बाय 166, ये कहाँ से आया, पीछे से, ये कहाँ से आया, पीछे से, ये कहाँ से आया, पीछे से, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ बैचेस। इतने बैच रन करने पड़ेंगे हमें ताकि हम डिमांड को पूरा कर सकें। कोई दिक्कत, अगेन राउंड ऑफ कर रखा है, डेसिमल्स को इग्नोर कर। नेक्स्ट, द करंट प्राइस ऑफ लार्ज मीडियम इतना इतना, ये सेलिंग प्राइस हो गए बच्चों तीनों। टू प्रोड्यूस अ लीटर ऑफ बेवरेज 14 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू एंड 25 ml, नॉट लीटर, ml ऑफ मटेरियल सी आर रिक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 0.5 रुपीज एंड 1000 रुपये पर लीटर। ये कह रहे हैं एक लीटर को बनाने के लिए, कुछ भी बना लो किसी का भी, W एक रॉ मटेरियल है और एक C रॉ मटेरियल है, इसका लगता है 14 लीटर और इसका लगता है 25 ml, इसकी कॉस्टिंग है 50 पैसा पर लीटर और इसका खर्चा है 1000 रुपये पर लीटर। समझ में आ रहे हैं आपको? तो अब इसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली गई है, आपकी इतनी बॉटल की डिमांड रहती है, उसके अंदर इतने लीटर लीटर जाएगा, तो इतने लीटर आप आउटपुट चाहिए आपको, ये समझ में आया पहले। W का चाहिए 14 लीटर के हिसाब से, तो 14 मटेरियल W पर लीटर इज 14, तो 14 इंटू 9000 ये हो गया इतना लीटर, इसका हो गया 14 इंटू दिस इतना इतना, ये समझ में आया मटेरियल रिक्वायर्ड। अगर मटेरियल का कॉस्ट निकालना होता यहाँ पे तो प्रोपोर्शनेटली मैं मल्टीप्लाई कर देता, क्या लिखी हुई थी कॉस्ट इसकी, 50 पैसा पर लीटर, तो वो कॉस्टिंग भी आ जाती, बट वो उन्होंने बाद में निकाल रखी होगी। अच्छा सी का कितना है, 25 ml, तो ये बच्चों कैसे निकला होगा, 9 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000, इतने लीटर चाहिए होगा, समझ में आया ये? तो ये और ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी आ गई। आगे मैन शिफ्ट की बात करें बच्चों, 20 डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड, द वर्कर्स आर पेड 880 रुपये फॉर 8 आवर शिफ्ट। आगे तो कुछ नहीं लिखा है, तो मुझे ये बात बताएं, 180 बैचेस बनाने हैं, 2 घंटे पर बैच चाहिए, 2 घंटे कैसे निकला, 1 आवर 45 मिनट्स प्लस 15 मिनट, तो ये 2 घंटे बन गए पर बैच। तो टोटल आवर्स आपको इतने 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 चाहिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। एक लेबर 8 घंटे लगाएगी, सॉरी नंबर ऑफ शिफ्ट 8 घंटे की है, तो 45 शिफ्ट चाहिए हमें, कैसे, इतना घंटा डिवाइडेड बाय 8, तो 45 57 60, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत हैवी यूनिटरी मेथड है यहाँ पे, इसको इतना उसका उतना, और टोटल मैन शिफ्ट 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं एक शिफ्ट में, नंबर ऑफ शिफ्ट 45 हैं, तो इतने मैन शिफ्ट हो गई, और आप एक शिफ्ट का कितना पे कर रहे हो, 880 रुपये, तो अगर इसकी लेबर कॉस्ट निकालनी होती तो सीधे 880 से मल्टीप्लाई कर देते, अभी निकाली नहीं है बट निकलती वैसी। कोई डाउट? एवरेज पैकेजिंग कॉस्ट इज 3 रुपये पर बॉटल, ये तो निकल जाएगा सीधा। पावर कंजम्पशन 7 रुपये पर किलोवाट, अब यहाँ पे देखिए किलोवाट का हम पहले समझ चुके थे बट फिर से, हमें नंबर ऑफ बैचेस इतने 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 बनाने हैं, प्रोसेसिंग के लिए 1.75, ये कैसे निकाला, 105 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट पर आवर, तो 1 आवर 45 मिनट्स को 1.75 बोल सकते हैं ना, ये समझ में आया? टोटल टाइम रिक्वायर्ड 315, 90 किलोवाट पर आवर, इतना पावर कंजम्पशन। अगर मुझे ये चीज़ पर बैच निकालनी है तो डिवाइड बाय 180, तो निकल के आ गया, समझ में आ रही है बात, सिंपल।
इसी तरीके से सेटअप का हो गया, बस सेटअप में ये ध्यान रखना है कि वो 20% का कैलकुलेशन टेक इन टू अकाउंट करना है, बाकी सब सेम है। तो पर बैच के हिसाब से इतना 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 पावर कंजम्पशन हो रहा है सेटअप के लिए, समझ में आया। अब आइए एक एक करके चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। और भी खर्चा था क्या कोई? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट है एक, और एक अदर वेरिएबल कॉस्ट है पर बैच के हिसाब से, और होल्डिंग कॉस्ट है। तो देखा जाए तो कितनी कॉस्टिंग है, 2 तरीके का रॉ मटेरियल हो गया, 1 तरीके का लेबर, 1 पैकेजिंग का खर्चा, 1 पावर का खर्चा, 1 वेरिएबल नेचर का, 1 फिक्स्ड नेचर का। पावर का भी 2 गिन सकते हो आप, वैसे एक भी हो सकता है, और 8वां होल्डिंग कॉस्ट। तो 8 तरीके की कॉस्टिंग है जिसको आपको समझ समझ के करना है कि कौन सा पर यूनिट है, कौन सा पर बैच है, कौन सा क्या है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इतनी इतनी डिमांड है बच्चों, सेलिंग प्राइस इतना इतना था, तो सेल्स वैल्यू निकल के आ गई। अब हमने रॉ मटेरियल का वर्किंग नोट बनाया था ना, रॉ मटेरियल जितना क्वांटिटी इंटू 50 पैसा पर लीटर, जितना क्वांटिटी इंटू 1000 रुपये पर लीटर, तो कॉस्टिंग निकल के आ गई। याद आ रहा है, मतलब ये डाटा गिवन था, बस उसको मल्टीप्लाई करना है। आप ऊपर भी करके दिखा देते, वहां से रेफर कर देते, तब भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर लेबर का खर्चा, नंबर ऑफ शिफ्ट निकाली थी ऊपर, 880 रुपये, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। मटेरियल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वहाँ पे MLI का भी कुछ है कुछ है, पर यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पैकेजिंग कॉस्ट, तो अभी अगर मैं टिक मारना शुरू करूँ, इनका कॉस्ट आ गया, लेबर का आ गया, अब पैकिंग कॉस्ट की बारी है, 3 रुपये पर बॉटल। पावर का खर्चा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर निकाल लिया था, तो पावर का खर्चा भी अकाउंटिंग में आ गया। अब अदर वेरिएबल की बारी, तो अदर वेरिएबल को यहाँ पे लिख दिया हमने, ये पर बैच था ना, तो जितने नंबर ऑफ बैचेस थे उससे मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 रुपये काम कर दो, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जुड़ गया हमारा। तो बच्चों, अगर सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँ, तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ना। अब कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट आ गया। सॉरी, ये टोटल कॉस्ट क्या निकाल दिया इन्होंने, ओ माइनस पी, ये तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, समझ में आई ये बात। नेक्स्ट, आखिरी में बोला था EBQ निकालने के लिए। अब बच्चों, इसके अंदर ना ये वाला डाटा जो है, ये EBQ के लिए गिवन है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 रुपया पर बॉटल पर एनम। EBQ का फॉर्मूला क्या था, 2 × D × S × D/C। डी क्या होता था, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, एस सेटअप कॉस्ट पर बैच, सी सोजन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इसके अंदर से देखिए क्या क्या गिवन है। सी तो क्लियर कट है, 1 रुपया। ए ये भी गिवन था। अब आपको क्या चाहिए, एस। एस का मतलब क्या था बच्चों, ऐसा खर्चा जो सेटअप के हिसाब से चले। तो ये वाला तो नहीं होगा, वो ये तो आपका सी हो गया ना डिनोमिनेटर। अब 1 से लेके 7 के बीच में आपको ये दिमाग लगाना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो सेटअप पे डिपेंडेंट है। क्या मटेरियल सेटअप पे डिपेंडेंट है? ये तो यूनिट्स पे डिपेंड, जितनी यूनिट बनाओगे, तो ये नहीं है, ये इसमें नहीं आएगा। शिफ्ट्स वो मैन आर नहीं। पैकेजिंग कॉस्ट पर बॉटल नहीं। पावर, पावर का एक हिस्सा प्रोसेसिंग का था, एक हिस्सा सेटअप का था भाई, तो ये सेटअप वाला यहां पे आ जाएगा, रेलेवेंट है, समझ में आया। तो ये आएगा, इसका एक पार्ट आएगा, ये ऊपर निकालना सिखाया था। अदर वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, अब इसके अंदर ICA ने हालांकि अजम्पशन लिख दिया है क्लियर करने के लिए, इन्होंने बोला पर बैच का मतलब पर सेटअप ही हो गया। इट इज अज्यूम्ड टू बी पार्ट ऑफ सेटअप कॉस्ट, कि सेटअप के टाइम पे लग रही है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 × 3 लाख इंटू इन दोनों का टोटल 30031.5 होल डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से बाकियों का भी निकल जाएगा। क्या ये समझ में आई बात? तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो मेरे को ऐसा लगा बैच कॉस्टिंग के अलावा यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज़्यादा घुसा रखी थी, समझ पा रहे हैं? क्योंकि मटेरियल के यूनिटरी मेथड लग गया, कभी उसका लग गया, ABC का इजी आया था, उल्टा ये तंग करने वाला आ गया। यहाँ पे ज़्यादा यूनिटरी मेथड लगा हुआ था,
बट अदरवाइज ऐसा नहीं था कि समझ में ना आए, ये था कि थोड़ा सा इधर उधर डाटा घुसा रखा था, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन हैंडल करे हुए हैं हमने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉब कॉस्टिंग का नहीं डाला हुआ इन्होंने, प्रोसेस कॉस्टिंग लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बना के हमें सब समझ में आ जाएगा, फिर उसके आगे जो जो मांगा जाएगा वो बनाते जाएंगे। तीन तरीके के क्वेश्चन आते थे प्रोसेस में से, बेसिक, इक्विवेलेंट बेस्ड, इंटर प्रोसेस। क्या ये इंटर प्रोसेस है? क्लियरली नहीं है। क्या ये बेसिक क्वेश्चन है? नहीं, देखते ही पता लग रहा है परसेंटेजेस है। तो ये इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 600 यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्टिंग इतनी है। करो बच्चों साथ साथ। अगेन मैंने फॉर्मेट वैसा नहीं बनाया, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट वो बना लीजिएगा एग्जाम में। 600 4200 के हिसाब से। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP बच्चों, ये कंप्लीशन का परसेंटेज गिवन है, अमाउंट नहीं गिवन। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या यहाँ पे फीफो लगेगा, वेटेड एवरेज लगेगा, दोनों लग सकते हैं? गलत, सिर्फ फीफो लग पाएगा। परसेंटेजेस है, अमाउंट नहीं गिवन, अमाउंट का ब्रेकअप नहीं है। नेक्स्ट, इनपुट ऑफ मटेरियल इतना इतने यूनिट्स के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखिए टू करेंट इनपुट 9,255,200, डायरेक्ट वेजेस 18,600, नेक्स्ट ओवरहेड्स 8,630, यूनिट्स स्क्रैप्ड 200 यूनिट, ये क्या है? एक्चुअल लॉस। ये डाटा स्क्रैप का कब रेलेवेंट होता है? नॉर्मल लॉस के लिए, एबनॉर्मल के लिए, या एबनॉर्मल गेन के लिए? नॉर्मल लॉस के लिए नहीं, एबनॉर्मल लॉस के लिए। एबनॉर्मल गेन हमेशा 100% होता था। क्लोजिंग WIP 700 यूनिट से बच्चों, यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट। नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ टोटल इनपुट इन ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स पुट इन, मतलब क्वेश्चन ने लिख दिया है बच्चों तो इसको फॉलो करना है। कितना बोल रहा है ये? 4% ऑफ 600 प्लस 9,200, समझ में आई ये बात? 392, इसका स्क्रैप वैल्यू है 6 रुपए के हिसाब से, 3, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल गेन बच्चों, एबनॉर्मल गेन ₹192, क्या ये समझ में आता है? ICI ज्यादातर क्या करता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, अगर आप अभी दिख ही नहीं रहा मुझे कॉन्सेप्ट, आपको ग्रिप है, वर्किंग नोट ये बना के स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, प्रिपेयर यूजिंग फीफो मेथड, अगर ये ना भी लिखा होता तो फीफो ही लग पा रहा था यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है, कॉस्ट ऑफ WIP निकालना है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स भी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, सब कुछ निकल जाएगा, बट आपको आना चाहिए। प्रोसेस अकाउंट बनाना नहीं आता तो कुछ नहीं हो पाता। तो अगर मैं इसके अंदर पुट करना शुरू करूं, आइए इसके अंदर, ये समझ में आया? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखते हैं फीफो मेथड के हिसाब से। इनपुट कॉलम बनता था पर्टिकुलर यूनिट, आउटपुट कॉलम पर्टिकुलर यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो ओपनिंग यूनिट्स और करंट स्टॉक का गायब कर दिया ना, ये रहा 9,200, ठीक है। अब एक एक करके
सबसे पहले बच्चों 392 नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस ढूंढो भाई, ढूंढो ये रहा नॉर्मल लॉस, ये इग्नोर हो रहा है। हाँ अभी वो बाद में देखेंगे, पहले यूनिट्स पुट कर ले। तो ये चला गया। नेक्स्ट 8900 में से, क्योंकि फीफो फॉलो कर रहे हैं, 600 तो ये वाले जा रहे होंगे, तो 600 और 8300 बाकी बचे। ये कैसे निकले, 8900 माइनस 600। नेक्स्ट क्लोजिंग WIP 700 चले गए, और एबनॉर्मल गेन जो होता था ये माइनस होता था। क्या समझ में आती बात? अब बच्चों दिमाग इसमें नहीं लगाना होता, जो करंट ट्रांसफर किया वो हमेशा 100 रहेगा, नॉर्मल लॉस हमेशा इग्नोर होगा, दिमाग नहीं लगाना, एबनॉर्मल गेन हमेशा 100 होगा, इन तीन चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाना। दिमाग लगाना है तो किस किस पे बचा बच्चों, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP जो कंप्लीट करके ट्रांसफर कर रहे हो, अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो ओपनिंग WIP में क्या करते हैं, जो डे वन पे काम हो गया है उसको इग्नोर करना है, सिर्फ डे टू का काम कंसिडर करना होता था। तो डे टू का जो काम है वो इसका बैलेंसिंग काम हो गया, डैश 40-40। ये समझ में आई बात? क्लोजिंग WIP का क्या हो जाता है बच्चों, जो परसेंटेज गिवन है वो आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये वैल्यूज पुट करके आपका डिनोमिनेटर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रेडी है। इसके बाद हम क्या करते थे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। आइए अमाउंट्स ये वाले गए, और ये स्क्रैप का वैल्यू कहां से माइनस होता था, मटेरियल में से। क्या फीफो में इसको कंसिडर करते थे? नहीं, ये लास्ट में आता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 55200 माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट आ गया 6630। ये यूनिट्स यहां से गए, ये यहां से गया, ये यहां से गया, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। याद आ रहा है? नेक्स्ट इसके बाद बच्चों हमें क्या क्या निकालना आता था, सारे यूनिट्स का वैल्यूज। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग निकाल रखा है, अलग अलग निकाल रखा है। चलो निकाल देते हैं। जैसे एबनॉर्मल गेन के केस के अंदर सबका यूनिट्स वैल्यूज आ गया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो इसको अगर मैं अपने स्टेटमेंट में जाके लिखूं, तो यहाँ पे लिखो 1743, ठीक है ना। अब क्लोजिंग WIP का क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगा गया था। देखो यहाँ तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ना फिर रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 प्रॉपरली बताओ। जैसे रिक्वायरमेंट 1 तो पूरी बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मांगा गया है, कॉस्ट पर यूनिट भी बनाना पड़ेगा, बाकी के लिए वर्किंग नोट रेफर कर सकते हैं। फिर बनाओ और फिर वर्किंग नोट रेफर कर दो कि ये वहां से रेफर कर लीजिए, बट आपको दिखाना पड़ेगा पूरा। फिर क्लोजिंग WIP का बच्चों वैल्यूज निकाला, तो ये आ गया 5709। नेक्स्ट जितना ये ट्रांसफर किया 8900, इसमें से बच्चों 600 तो ओपनिंग स्टॉक था और 8300 हमारा इस बारी का था। तो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, ओपनिंग WIP के ऊपर डे वन का काम 4200, ये कहाँ से आया बच्चों, ये वाला, और डे टू का काम ये बाद में निकालना पड़ता है। 8300 पे आज का यानी कि डे टू का ही काम निकलता है। इन दोनों को, इन तीन चीज़ों को जोड़ के यहाँ पे आ जाता है 8030। वेटेड एवरेज में क्या होता था, ये आखिरी का नोट नहीं बनाना होता था, जो डे वन का काम होता था उसको इग्नोर नहीं करते थे, उसको कॉस्ट निकालने में कंसिडर किया जाता था, जबकि फीफो में इग्नोर करते। तो अगेन मैं ऑब्वियसली बात है उतना टाइम नहीं लगा रहा, बनवाने बैठूंगा फिर तो वो चीज़ हो जाएगी, कुछ याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। प्रोसेस अकाउंट भी आपको याद आ रहा है तो काफ़ी है, इसे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बन गया काफ़ी है, आगे के दोनों बन जाते हैं। मेन दो ही चीज़ें, प्रोसेस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, वो दोनों रिकॉल होते हैं, आगे का बन जाता है, ये दोनों ज़रूरी थे। कंप्लीट हो गया ये? इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा जब ये हो जाए एक आधे दिन बाद दोबारा से उठा के निपटा लेना RTP, वो ज़रूरी है। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग इसमें से क्वेश्चन डाला हुआ है, मेरे हिसाब से जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे नहीं डाला था प्रैक्टिकल इस बारी, हाँ जॉइंट एंड बाय पे नहीं डाला हुआ, वो थ्योरी में डाल दिया इस बारी। ये वाला जो बच्चों सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन पहली बारी नहीं आ रहा, ये मिलता जुलता है, यहाँ सेम क्वेश्चन ही पहले भी आ चुका है सेम। LMV प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स कैब/कार रेंटल सर्विस इन दिल्ली NCR, इट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज
टू ऑफिसेज ऑफ नोएडा, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद. एट प्रेजेंट इट ऑपरेट्स सीएनजी फ्यूल्ड कार्स बट इज ऑल्सो कंसिडरिंग टू अपग्रेड दीज इंटू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स. मांगी क्या है बात? कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर मंथ पर कार फॉर बोथ सीएनजी एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑप्शन. दोनों की कॉस्टिंग निकालनी है बच्चों. अब ये देखिए, हमने इसके अंदर फॉर्मेट कैसे किया था? हमने सिंपली फॉर्मेट किया था कि रनिंग कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड करते हैं. बट आईसीआई कई जगहों पे मैंने बताया था कि मेंटेनेंस का भी हेड बना रही है. अगर आप मेंटेनेंस का अलग से बनाना चाहें बिल्कुल हेड बनाएं, कोई दिक्कत नहीं. हमें निकालना क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ, एक महीने का चलाने का क्या खर्चा बैठ रहा है, ठीक है ना. आइए स्टेटमेंट बनाते हैं. डिसीजन कोई नहीं मांगा है. लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, पर्टिकुलर्स सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है ना. अब मैं इसको बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए. प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियसली बात है फॉलो कर लीजिए. मैं सीधा आपको टेक्निकलिटी समझाने पे फोकस लेकर आऊँगा, ठीक है. ठीक है ना, ये सब मांगा गया आपसे, ये सब खर्चा वर्चा, ये वो ये वो. एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन मंथ इज 1500 किलोमीटर. देखते हैं पहला, गाड़ी का परचेज प्राइस गिवन है बच्चों, तो इससे सीधा सीधा क्या समझ में आता, क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन. तो लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन कार. हमें एक महीने का कॉस्ट निकालना है. ध्यान रखिएगा यूनिटरी मेथड यहाँ पे ऑपरेटिंग अ कार पर मंथ के हिसाब से चाहिए कॉस्टिंग, नॉट पर ईयर. आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ईयर या क्वार्टर में लेके जाएं. तो यहाँ पे 920,000 15 साल के लिए गाड़ी चलेगी, कोई सब्सिडी वब्सिडी भी नहीं है और रेजिडुअल वैल्यू 95,000. तो बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे निकल जाएगा? इधर देखिए, इन्होंने निकाल रखा होगा, मैं यहीं से थोड़ा सा आपको ये देखिए, 920,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइड बाई 15 ईयर्स, पूरे साल का डेप्रिसिएशन. एक महीने का निकालना तो डिवाइडेड बाई 12. जिस तरीके से सीएनजी का निकला उसी तरीके से ईवी कार का भी निकल जाएगा. तो आइए इसको निकाल देते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन दिखा देता हूं मैं. 920,000 माइनस 95,000 होल डिवाइडेड बाई 15 साल इंटू 1/12. 1/12 क्यों किया? महीने का निकालना है. नेक्स्ट इसका कैसे हो जाएगा बच्चों? 1,520,000 माइनस 150,000 माइनस 170,000 होल डिवाइडेड बाय 10 साल इंटू 1/12 निकलता रहेगा कैलकुलेशन, बट ये समझ में आ जाना चाहिए. वो कैलकुलेशन करने की बात इतनी बड़ी नहीं है, वो सारा कुछ गिवन होगा आपको, आंसर गिवन है. हमें बस एक बार हाथ खोल के ये चेक करना है कि हाँ याद आ रहा नहीं, बस इतने पर्पस है. नेक्स्ट माइलेज कितना है बच्चों? 20 किलोमीटर पर केजी. केजी क्यों लिखा है? क्योंकि सीएनजी में केजी के हिसाब से डलता है. इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, सीएनजी कॉस्ट पर केजी 60 रुपये और एक महीने में कितना किलोमीटर चलेगा? 1500 किलोमीटर. तो बच्चों अगर मैं इसकी माइलेज के हिसाब से देखूं, कॉस्ट ऑफ रनिंग आ जाएगा ना यहाँ पे, मुझे बात बताओ 60 रुपये पर केजी कितने किलोमीटर चलता है एक केजी पे? 20 किलोमीटर. एक उल्टा हो जाएगा ना, 1 केजी पे 20 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना बैठ रहा है? 3 रुपये. और एक महीने में कितने किलोमीटर चलानी है? 1500 किलोमीटर. क्या समझ में आई बच्चों बात? समझ में आई? देखिए इसको अगेन यूनिटरी मेथड करके इन्होंने सी इंटू ए करके दिखा दिया, ये उतनी बैठेगी 4500. अब इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कैसे लिखा है? 240 रुपये पर चार्ज, 30 किलोवाट कंज्यूम करता है फुल चार्ज के लिए और 67.6 रुपीज पर किलोवाट लेता है. तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूनिटरी मेथड लग रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 7.6 इंटू 30 किलोवाट्स पूरा चार्ज मारने के लिए इतना खर्चा लग रहा है. ये समझ में आया?
इंटू 240 रुपये पर चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 240, तो इससे एक किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा और हम 1500 किलोमीटर के लिए चला रहे हैं, कितना हो गया ये 1425। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लूँ तो 1425 का कॉस्टिंग बैठेगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चों, साथ साथ में कॉपी भी करते जाइएगा, ठीक है ना, बाद में रहना जाए, कोई डाउट्स हैं तो पूछ लेना। एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल इंश्योरेंस, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई, इन दोनों को अलग अलग दिखाना चाहे अलग अलग, 3-4 मेंटेनेंस इंश्योरेंस 8000 डिवाइडेड बाय 12, 7600 डिवाइडेड बाय 12, 5200 डिवाइडेड बाय 12, 14600 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना, डिवाइड बाय 12 कर दिया सबको, नेक्स्ट टायर रिप्लेसमेंट, ये देखिए बच्चों टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन एवरी 5 ईयर्स 16000, मुझे बताओ ये गाड़ी कितने साल चलेगी, तो कितनी बार ही रिप्लेसमेंट होगा, दो बार, क्योंकि जब गाड़ी खरीद के लाओगे तब भी तो टायर लग के आएगी ना, किसी शोरूम में ऐसा होता है बिना टायर की गाड़ी बेच रहे हैं आपको, पंद्रह 5 बारी रिप्लेस होना है, 2 बारी रिप्लेसमेंट हुआ ना, रिप्लेसमेंट 2 बारी हुआ है, जो पहली बारी का था वो तो कॉस्ट में इंक्लूड होगा ना, देखो पहले साल में लग के आया, फिर उसके बाद 5 साल का हमने बदल दिया एक बार, फिर हमने अगले 5 साल में बदला, यानी कि 10 साल फिर हम बदल जाएगा, तो मर जाएगा 10 साल के, क्या लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, द कॉस्ट ऑफ टायर्स ऑफ ईच रिप्लेसमेंट इज 16000, अच्छा यहाँ पे लिखा था ना 16000 की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, तो मुझे बताइए टोटल रिप्लेसमेंट 32000 हो गया, एक साल का डिवाइड बाय 15 इतना हो गया, एक महीने का इतना, समझ में आई बात, तो कॉस्ट ऑफ टायर 32000 डिवाइडेड बाय 15, या फिर आप इसको और डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 16000 इंटू 2 डिवाइड बाय 15 इंटू 1/12। अब दूसरी गाड़ी के केस में मुझे बताइए 16000, इसका भी सेम ही है बट ये दो एक ही बारी रिप्लेस होगा, तो 16000 डिवाइडेड बाय ये साल कितने साल चलेगी, 10 इंटू 1/12, समझ पा रहे हैं बच्चों, कोई डाउट। नेक्स्ट बैटरी रिप्लेसमेंट इन एवरी 8 ईयर्स, तो इसके अंदर कितनी बार रिप्लेस होगी बैटरी, एक बार, कितनी हो गई 12000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1/12, आइए इसको भी चेक करवा दें एक बार, एक बार ही होगी 12000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे कितनी बारी चेंज होगी ईवी व्हीकल में, यहाँ पे भी एक बारी 8 साल बाद, 2 साल ही चलेगी और, बट कॉस्टिंग बहुत बैठ गई क्योंकि ईवी व्हीकल ही उस पर चल रहा है, 540000 डिवाइडेड बाय 10 साल इंटू 1/12, समझ में आया। नेक्स्ट और भी कुछ बचा है क्या, ये ड्राइवर की सैलरी, गैरेज का रेंट, शेयर ऑफ दिस, ये तो एज इट इज पुट कर दो, अदर्स, बीस 4500 1500 1500, ये तो सीधा पर मंथ ही गिवन थे सारे खर्चे,
ड्राइवर सैलरी, गैरेज रेंट पर कार और शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मैच करिए एक एक करके, सबसे पहले एक फ्यूल का खर्चा आया होगा, एनुअल मेंटेनेंस का खर्चा मिल रहा है आपको, एनुअल इंश्योरेंस, टायर, बैटरी, यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना था बट इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, डेप्रिसिएशन इजी, ड्राइवर रेंट ऑफिस, सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, नथिंग मेजर, मुझे नहीं लगा कि बहुत मुश्किल था, इजी क्वेश्चन लगा आप सबको, हैंडलेबल था या नहीं। आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, EML ऑपरेट्स इन कोल माइनिंग थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग मेथड, एक्सप्लोजिव्स एंड डेटोनेटर्स आर यूज्ड फॉर एक्सकवेशन ऑफ कोल। एक मिनट बच्चों, ऑफ कोल फ्रॉम द माइंस, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ एक्सप्लोजिव्स मटेरियल्स यूज्ड फॉर माइनिंग। बच्चों एक कुछ मटेरियल है, एक मिनट, दो तरीके का यहाँ पे कुछ गिवन है क्या, या अच्छा दो तरीके का आउटपुट है और दो तरीके का कोल है। ओके तो यहाँ पे बच्चों इसके अंदर ये समझिए, ये क्वेश्चन के अंदर ना दो तरीके का रॉ मटेरियल है और बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे दो तरीके का आउटपुट भी है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस वगैरह देखे थे उसके अंदर क्या होता था, एक ही तरीके का आउटपुट होता था, यहाँ पे दो तरीके का आउटपुट गिवन है और दो तरीके का मटेरियल है, तो दो तरीके का मटेरियल, दो तरीके का आउटपुट। अब इसके अंदर ये सारे डेटा, पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, अरे ये क्वेश्चन छोटा सा ही है, कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस एंड मटेरियल कॉस्ट, बड़ा ही आसान। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाऊँ तो फॉर्मेट क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, दो तरीके का इनपुट के हिसाब से बनेगा, आउटपुट के हिसाब से किसका वेरिएंस निकाल रहे हो, मटेरियल का या आउटपुट का, मटेरियल के हिसाब से, तो दो, एक SME हो जाएगा और दूसरा डेटोनेटर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक एक करके करते हैं, स्टैंडर्ड रेट कितना, 40 और 20 रुपया पर पीस, तो स्टैंडर्ड प्राइस तो पहले से गिवन है बच्चों, 40 20 इतना होना चाहिए था, ध्यान से। अब पहले SME पे दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा ना, ये कह रहे हैं 2.4 kg पर टन, मतलब एक आयरन ओर के टन को बनाने के लिए 2.4 kg लगना चाहिए था, 1.9 kg पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन को बनाने के लिए 1.9 kg लगना चाहिए था, द स्टैंडर्ड स्ट्रिपिंग रेशियो इज 3:1, मीन्स 3 क्यूबिक मीटर ऑफ ओवर बर्डन सॉइल इज रिमूव्ड टू गेट 1 टन ऑफ ऑयल। देखते हैं इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, ड्यूरिंग द मंथ डिसंबर 2023 द कंपनी प्रोड्यूसेस 20,000 टन्स ऑफ कोल एंड 58,000 क्यूबिक फीट क्यूबिक मीटर ऑफ OB। अब बच्चों ये क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट, मुझे बताओ SME की अगर मैं बात करूं तो एक टन को बनाने के लिए 2.4 लगना चाहिए था, तो 20,000 को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था, 20,000 इंटू 2.4 48,000। पहले हम इतना ही काम करके रुक जाते थे बट यहाँ पे देखिए इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, एक क्यूबिक फुट को, क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए 1.9, तो 58,000 के लिए कितना, 58,000 इंटू 1.9
तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया बच्चों इनका, क्या ये समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 158-200 है, दो तरीके का आउटपुट था, ये कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता था, बट अगर आपको ये समझ में आ गया है, अच्छा कॉपी करवाने की ज़रूरत है, समझ में आ गया भाई 158-200, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप सब बाद में देखना चाहें रेफरेंस के लिए देख सकें, अभी तो लग रहा है कि कुछ नहीं, अपने आप करने बैठेंगे तब थोड़ा सा लग सकता है दिक्कत, बट ये आरटीपी लेटेस्ट वाली करके जानी होती है डिटेल में। अच्छा आगे का भी मैं इसका भी करवा दूं, डेटोनेटर्स का भी करवा ही देते हैं, चलो दो पीस पर टन इंटू 40,000 डेटोनेटर्स का, 20,000 इंटू दो 40,000 प्लस दो इंटू 58,000 116,000, तो कितना हो गया 156,000, तो 156,000 ये देखिए ये यहाँ पे चला जाएगा, समझ में आया? तो 158-200 आ गया है बच्चों, 156,000 आ गया है। अब बस दो चीज़ें चाहिए, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी तो गिवन है ना, ये देखो ये एक्चुअल क्वांटिटी तो होता है बच्चों, एक्चुअल क्वांटिटी होता है ये, नहीं होता है भैया, ये तो एक्चुअल आउटपुट है ना, एक्चुअल क्वांटिटी तो इनपुट रॉ मटेरियल का चाहिए, दैट इज दिस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 167,200 अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ही एक्चुअल प्राइस निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऊपर वाले का तो यहां पे चला जाएगा बच्चों 38, 20.5, ठीक है ना। अब फटाफट से ये इसको कॉपी करें और सारे वेरिएंसेस निकालते हैं, ये वाला चेक कर ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको करे हुए। पर्टिकुलर्स करिए कॉपी, एसएमई डेटोनेटर टोटल, डायरेक्ट मटेरियल, इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते थे बच्चों, इनके बीच के डिफरेंस को कॉस्ट यूजेज प्राइस, ये तीनों मांगे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1-3 लास्ट के दोनों का बीच का डिफरेंस, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस 1-2 और डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2-3, समझ में आती है बात? तो फटाफट से चालू करें, सभी एक एक निकालें इनकी वैल्यूज, यहाँ पे ये हो गया 1, 2, 3 बता दीजिए। ठीक है, हम मैं
कितना कितना हो रहा है? एसएमई का निकला है। बोलो। 25,600 एडवर्स 316,400 और 342,000 एडवर्स 69,280 फेवरेबल 78,000 एडवर्स 770 800 आइए चेक कर लें एक बार। सबसे पहले प्राइस वेरियंसेस बच्चों, हमारा तो कुछ और ही आ रहा है। प्राइस वेरियंस कहाँ गड़बड़ हो रही है? अरे बच्चों हमने क्या, आप किसने बताया था मुझे ये फॉर्मूलास? बिल्कुल ये नलायकों वाली बातें कर डाली जिसने भी मुझे, मैं वही फॉर्मेट के अंदर गड़बड़ समझ रहा था। बिल्कुल गलत करा है ये जिसने भी बताया था, मैं भी वही सोचूं, मैंने भी नहीं चेक किया। इसको रेड में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आता था इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आप लॉजिक एकदम मतलब फास्ट हो सकता है, मेरे से भी मतलब एकदम मिस हो गया, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस प्राइस होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्वांटिटी होता है। ये क्या कर डाला यहाँ पे? एक्चुअल क्वांटिटी 167,200 इनटू 40, यहाँ पे हो जाएगा 118,400 इनटू 20। करिए दोबारा से सारा का सारा। बस मेरे हिसाब से कॉस्ट वेरिएंस मैच होना चाहिए। एक बार कॉस्ट वेरिएंस चेक कर लूँ मैं। हाँ, कॉस्ट वेरिएंस मैच हो रहा है 66,720, क्योंकि उसके अंदर बीच का इंपैक्ट नहीं आया। आपने बीच का इंपैक्ट जहाँ पे किया वो दोनों ही गड़बड़ है। करिए दोबारा से और मुझे बताएं सारा। छोटा सा ये गलती हो गई, मेरे से भी मिस हो गया, बताइए। निकालिए सारे वेरिएंसेस।
चलिए ये चेक करिए बच्चों, यहाँ पे प्राइस वेरिएंसेस चेक करिए, 334400 59200 एडवर्स, 275200, और क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस, चेक करिए कहाँ गड़बड़ की है। मैच हो रहे हैं आंसर्स, यहाँ पे बहुत मेजर मिस्टेक हुई है बच्चों, ये ध्यान रखिए पेपर में भी। अगला क्वेश्चन बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ जी क्या किया ही नहीं अभी तक, आइए इसकी शुरुआत करें बच्चों। The analysis of cost sheet of A Limited for the last financial year has revealed the following information for its product R. तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया direct material जो है ना 30% of COGS है, direct labor जो है 15% COGS, factory overhead 10% COGS, general 2%, selling 4% of cost of sales, not COGS. इसका fixed portion भी given है। Last year हमने 5000 units बेचे थे 185 के हिसाब से। बच्चों मुझे ये बात बताइए, यहाँ पे क्या ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल COGS इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हालांकि यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, बट क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ COGS है तो ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, X इज इक्वल टू 30% ऑफ X प्लस 15% ऑफ X प्लस 10% ऑफ X प्लस 2% ऑफ X प्लस 301000। तो सॉल्व करके X का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका कितना हो गया 45, 55, 57। तो X इज इक्वल टू 301000 डिवाइडेड बाय 43%, तो ये कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 7 लाख रुपए। तो COGS हमारा हो गया 7 लाख। अब मुझे ये बात बता, ये समझ में आया, मतलब इसको लिखने की ज़रूरत लग रही है, समझ में आता है। तो COGS 7 लाख है, इसके अंदर बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स X हो गया इज इक्वल टू 7 लाख प्लस 4% ऑफ X इज इक्वल टू X, X का वैल्यू यहाँ पे फिर से आ जाएगा कितना, 8 लाख रुपये। एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ की है, इसके साथ 68000 फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है, प्लस 68000 फिक्स्ड कॉस्ट मिस हो गया मुझसे। X इज इक्वल टू 7,68,000 डिवाइडेड बाय 96%, कितना हो गया ये, 8 लाख रुपए, ठीक है ना। सेल्स आ गई बच्चों, ये सेल्स गिवन है हमें, समझ में आते। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर नहीं याद है तो आपने रेफर करना है आपने। तो मैं अगर इसको सॉल्व करके आगे समझाऊं, देखिए आपका इसको करने के बाद सब कुछ वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, लिखो मेरे साथ साथ, ये इक्वेशन तक सॉल्व हो जाएगा ना, जो इक्वेशन बनाई हमने, तो इसको पूरा करते। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्स हमारी कितनी है बच्चों, 5000 × 185 कितना हो गया, 9,25,000 ये अमाउंट में हो गया। और अगर मुझे ये पर यूनिट में चाहिए तो 185, क्योंकि यूनिट्स गिवन है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बच्चों मुझे ये बात बताइए, COGS हमें पता लग गया है कितना है, 7 लाख, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 8 लाख। इतना तो समझ में आ गया था इक्वेशन बना के। अब अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इन सब का टोटल कितना हुआ, 45, 55, 57, 57% ऑफ 7 लाख प्लस 4% ऑफ 8 लाख,
टोटल इन दोनों का डिवाइडेड बाय 5000 करिए तो पर यूनिट आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना कितना रह गया, तो यहाँ पे 98.8. तो अगर पीवी रेशियो निकालना हो तो दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, यहाँ पर यूनिट कितना आ रहा है फिर 30 लाख कैसे आ जाएगा, सेल्स ही 9 लाख कैसे हो जाएगा, पीवी रेशियो कितना हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ठीक है ना, हो गया कॉपी। तो बस इसके अंदर स्टार्टिंग में ये पार्ट था कि आपको थोड़ा सा ये वर्क फिगर आउट करना था, अदरवाइज आगे का आप देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांगा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट पता लग गई है आपको, 53.41% आपका पीवी रेशियो हो गया, तो आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। नेक्स्ट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो सबसे आसान है, आपका कंट्रीब्यूशन निकल ही चुका है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट फर्दर माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो दिस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 369,000, ये कैसे निकला बच्चों, ये गिवन था, इन सबको प्लस कर दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट इन सबका टोटल था। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, MOS डिवाइडेड बाय सेल्स इन 200, MOS कैसे निकलता था, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन 200, ठीक है ना, इस तरीके से निकल के आता था, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे सेल्स कितनी होगी, 9,25,000, ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी हमने यहाँ पे जो निकाली थी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये समझ में आ रहा है, सिंपल ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट इफ द सेल्स वर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स, अगर हमारी सेल्स 10% से गिर जाती तो हमारे साथ क्या होता। अब यहाँ पे मुझे ये बात बताइए, कंट्रीब्यूशन 4,94,000 है, अगर मेरी सेल्स 10% से गिर जाएगी तो मेरा कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन कितना रह जाएगा, 4,94,000 का 90%। फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, 3,69,000, तो आ जाएगा आपका आंसर। ये भी MCQ में आ सकता था वैसे, ये तो ईजी था, 75,600, समझ में आया, सिंपल। नेक्स्ट खत्म, बस अब दो ही क्वेश्चन रह गए, एक थ्योरी का और एक बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल तो वेरी सिंपल, बजट्स बनाने होते हैं। एम लिमिटेड इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ए, द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स रेवेन्यू बजट फॉर द ईयर 2024, तो अगले साल के लिए बजट बनाने लगे हैं। मांगा क्या है, पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़े, यू बीइंग एन एसोसिएट टू द बजट कंट्रोलर of the company, prepare revenue flexible budget for the year 2024, also show the budgeted profit/loss for the year. बड़ी सिंपल सी बात है, अगले साल का बजट बना के दिखाना है आपको, जो एस्टिमेट्स गिवन है। ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी आपका पहले भी एकदम सेम क्वेश्चन RTP में आ चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए एक एक करके देखते हैं, तो बोलिए। वो तो क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर मैं ये सारे क्वेश्चन दिखाने बैठूँ ना, इसके अंदर से 80-75% आपको बुक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको दिए हैं। मतलब ये तो आरटीपी रिपीटेड है ना, पेपर में थोड़े आ रहा है। पेपर के भी क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे आपको, आप पास्ट ईयर के जो मैंने डाले हैं बुक में चेक करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। फेल क्यों होते हैं, उसका रीज़न ये है कि बच्चे बैकअप रिविजन्स बुक पूरी करके नहीं जाते। आपसे पूछ लूँगा मैं, आपने कितनी बुक कितनी बारी कर ली है, आपका आंसर के अंदर छुपा होगा कि क्या रीज़न बैठता है। देखो सर अभी चल रहा है, तो बस आप समझ रहे हैं क्यों फेल होते हैं फिर।
चलो इधर देखिए, द कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल. ये बच्चों प्रेजेंट ईयर का है, हम बजट इसका बना रहे हैं प्रपोजल का, तो देखते जाएगा. बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है. इट हैज़ एंटिसिपेटेड 12% ग्रोथ इन द सेल्स वॉल्यूम. इतने टन 2023 में थे, इसका 12% से बढ़ जाएगा. सिंपल. द सेलिंग प्राइस इतना था पर टन, वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10% प्रोवाइडेड द होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज बाय 5%. इस लैंग्वेज की वजह से बच्चों को टफ लगा था. कह रहे हैं कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स कोई इंडिकेटर है, समझाने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाए आपको, इतना दिमाग नहीं लगाना कि क्या होता है. कोई इंडिकेटर है, अगर वो इकोनॉमी में 5% से ऊपर चला जाए तो हम अपना सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा देंगे. और एक्चुअल में इंडिकेटर कितने से बढ़ा? 4% से. तो क्या ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा? नहीं. तो हमारा सेलिंग प्राइस पहले भी 23,000 था, अभी भी 23,000. अगर वो बढ़ जाता तो ये 10% से बढ़ा देते. नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ ए 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, द कॉस्ट इज 4,500 रुपये पर टन, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10% इफ WPI 5% से ऊपर. तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं. तो 2.3 इंटू जो भी आपकी क्वांटिटी थी इंटू 4,500. तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, ध्यान से, क्वांटिटी इंटू 2.3, इसको मल्टीप्लाई किया 4,500 से, ये आ गया आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट. इन लैक्स चल रहा है ये सारा कुछ. समझ में आई ये बात? सिंपल, सबसे सिंपल अभी तक. नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 6,000 इम्प्लॉइज वर्क फॉर द कंपनी. द कंपनी वर्क्स 26 डेज इन अ मंथ. 85% ऑफ द कंपनी ऑफ द इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर परमानेंट एंड गेटिंग सैलरी. तो इसके 85% परमानेंट है, बाकी 15% कैजुअल है. एंड गेटिंग सैलरी पर 5 ईयर वेज रेट, एज पर 5 ईयर वेज रेट द अर्निंग पर मैन शिफ्ट मीन्स एन एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स इज 3,000 एक्सक्लूसिव टर्मिनल बेनिफिट. ठीक है. द न्यू वेज एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2024. मतलब अगले साल के बीच में ये नया वेज कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, बीच में. और वो भी सबके लिए नहीं, इन 6,000 में से 85% एम्प्लॉइज़ के लिए. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 50% इंक्रीज इन पे विल बी गिवन. मतलब बच्चों ध्यान से, इसका पे रेट लिखा हुआ है कहीं पे? हाँ, 3,000 लिखा है ना. तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने पेमेंट कैसे करना है, कैजुअल का नहीं, अभी परमानेंट की बात चल रही है. 6,000 का 85% 51,100 यूनिट वो हो गए एम्प्लॉइज, 5100 एम्प्लॉइज हो गए. तो 5100 एम्प्लॉइज 26 दिन काम करते हैं, 6 महीना 3,000 के रेट पे. 6 महीना क्यों लिया? क्योंकि आधे साल बाद इन्हीं का 15% से इंक्रीमेंट हो जाएगा. 2023 में तो 51 एम्प्लॉइज 26 दिन 12 × 3,000, बट यहाँ पे आधे साल के लिए ज़्यादा, आधे साल के लिए पुराना रेट. परमानेंट एम्प्लॉइज़ का समझ में आया? अब बाकी बचे 15%, यानी कि 900 वर्कर्स. द कैजुअल वर्कर्स आर गेटिंग डेली वेजेस ऑफ 850. भैया इनको बोल दिया है तेरे को ना 850 रुपये मिला करेंगे दिन के, तो 900 एम्प्लॉइज 26 दिन 12 महीने 850. ये वाला पढ़िए, द वेजेस इज लिंक्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. द प्रेजेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना है पॉइंट्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी दिस मच इन 2024. मतलब 850 तब पे करेंगे जब 165.17 रेट चल रहा है, इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का. ये 173.59 हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा प्रपोर्शनेटली, ऐसा बोल रहे हैं. कितना हो गया ये? तो यानी कि 2024 के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, 900 वर्कर्स हैं, 26 12 महीने, बस ये वेज रेट बढ़ के 893.33 हो जाएगा. क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये भी डन. तो टोटल वेजेस वगैरह निकाल दिए ना, आप अलग अलग भी माइनस करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट,
पावर कॉस्ट फॉर द ईयर 2023 वाज 42 लाख फॉर 7000 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने के लिए 1 किलोवाट. 60% ऑफ द पावर इज यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस डायरेक्टली इन द वॉल्यूम एंड रिमेनिंग आर एम्प्लॉय क्वार्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. इसका मतलब ये 42 लाख के दो पार्ट्स हैं, एक प्रोडक्शन से लिंक रखने वाला और 40% अदर्स. तो पिछले साल जो हमारा बिल आया, कहाँ गया भाई, 42 लाख का ये कैसे निकाला है इन्होंने, पावर कॉस्ट इतना है. अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये इन्होंने इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज अलग लिखी है. 42 लाख टोटल नहीं है, ये 42 लाख ये है. ये कह रहे हैं 42 लाख 60% ऑफ द पावर बिल रिप्रेजेंट करता है, तो 100% बिल कितना हो गया इसका डिवाइडेड बाय 60%, 70 लाख. ये कह रहे हैं पिछले साल ना 70 लाख का बिल आया था, जिसमें से 42 लाख का तो प्रोडक्शन की वजह से था और 28 लाख का एम्प्लॉयज की वजह से था. ये समझ में आया? अब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा कि इंक्रीज हुआ है, तो ये सेम टू सेम रहेगा. बट ये वाला ना प्रोडक्शन से लिंक रख रहा था. क्या पिछले साल से प्रोडक्शन बढ़ाने का सोच रहे हैं हम? यस, 12% सोच रहे हैं ना. तो ये अगर 12% से बढ़ाएंगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 लाख का 60% प्लस 12% ऑफ ये, या 4 लाख 42 लाख का 112%. बात एक ही हुई ना, जैसे मर्जी घुमा लीजिए. समझ में आई बच्चों बात? रिपीट करूं इसके अंदर कुछ? नेक्स्ट. हाँ वही वही चीज़ कर रखी है. एक मिनट रुक जाइए, हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है बार बार ना, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है. पावर कॉस्ट फॉर द ईयर इज दिस फॉर दिस मच यूनिट्स, हमसे कुछ गड़बड़ हुई लग रही है बच्चों. एक मिनट रुकिए, ये पावर का पॉइंट गलत किया है हमने, हम अजम्पशंस बार बार गलत ले रहे हैं. लेट मी चेक. हमने गड़बड़ करी है. बिल्कुल गड़बड़ हुई है, मतलब हो सकता है उससे आंसर सेम निकल, नहीं सेम भी नहीं निकलेगा, हमने गड़बड़ की है, बिल्कुल गलत किया हमने. इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि ये पॉइंट अच्छा है, हमसे गड़बड़ गई है. आइए मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ. ये गड़बड़ हुई है, आराम से देखिएगा क्या बात बोल रही है. पिछले साल 2023 में हमारा 42 लाख का बिल आया है और हमने 7 लाख यूनिट्स यानी कि 7 लाख किलोवाट्स कंज्यूम किए थे. 1:1 का रेशियो है, यानी कि 7 लाख यूनिट्स में प्रोडक्शन और दूसरा क्या दे रखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय के क्वार्टर वगैरह जो है, इन्होंने इसका 40% यानी कि 2,80,000 यूनिट्स कंज्यूम किए होंगे और बाकी 4,20,000 यूनिट्स हमने कहां से कंज्यूम करवाए होंगे, प्रोडक्शन पे बेस्ड. एग्री करते हैं इस बात से? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहां तक तो? ठीक है, आपकी 2023 की बात है. अब 2024 के अंदर क्या हो रहा है, ये यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये तो सेम है, बट ये यूनिट्स कितने से बढ़ जाएंगे, 12% से. बताइए इसको 12% से बढ़ा के कितना हो गया, 470,400. चेक कर लें एक बार, 470,400. यानी कि अगले साल हमारा जो कंजम्पशन होगा कितना हो गया, ये 517 और यहाँ पे हो गया ये 7 लाख. आपको डाउट यहाँ तक पहुँच गए हम? 7 लाख यूनिट्स मतलब 7 लाख किलोवाट्स ऐसा लिखा हुआ है, अगर 1:2 होता है जो भी होता फिर उसी हिसाब से ले लेते. अब 2023 के अंदर हमारा 42 लाख का बिल आया था, यानी कि एक यूनिट का कितना चार्ज हो गया, 42 / 7 6 रुपीज़. अब इसके अंदर रेट के बारे में कुछ इंक्रीमेंट के बारे में नहीं लिखा है, तो 6 का 6 ही रहेगा, तो दिस इंटू 6 कितना बिजली का बिल बन जाएगा,
2000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये था आंसर इसका। यहाँ पे हमसे बहुत हैवी मिस्टेक हुई है, ये सिली मिस्टेक थी। इनफैक्ट हमसे इस आरटीपी में देखा जाए तो दो सिली मिस्टेक्स हुई हैं, स्टडी में वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और एक ये वाला। ये वाला सिली मिस्टेक, हम जल्दबाजी बार बार ना 42 लाख आ रहा था और यहाँ पे भी 4,20,000 आ रहा था, तो वो 42 के चक्कर में हम मिस इंटरप्रिटेशन ले गए। ये बहुत मेजर मिस्टेक था, मतलब यहाँ ये वाला नहीं होना नहीं चाहिए था इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 2023 द कंपनी हैज पेड 60 लाख फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्कर्स, द अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी बढ़ जाएगा, तो 60 लाख से ये 12% से बढ़ जाएगा, सिंपल। ये वाला इसमें कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 2023 द कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज इन कार हायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, द कॉस्ट ऑफ डीजल विल इंक्रीज बाई 15%। मतलब ये देखिए, पिछले साल डीजल का खर्चा इतना था, अब इस साल बढ़ जाएगा ना, ये रहा 1,38,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 2023 द कंपनी हैज पेड 6 लाख रुपीज फॉर हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। तो हमने पिछले साल 6 लाख रुपये किसी आउटसोर्सिंग वाले बंदे को भी पे किया। In 2024, the company has decided to reimburse the diesel cost to car rental company. Doing this will attract 5% GST, reverse charge mechanism, not on the basis on which the company will not get GST input credit. क्या क्या बोल डाला पिछले साल तक, कुछ इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम सामने वाले से सिर्फ गाड़ी लेंगे, पेट्रोल अपना ही भरवाएंगे। अल्टीमेटली मेरी जेब से पेट्रोल का खर्चा और गाड़ी का खर्चा दोनों जा रहा था। इस साल हम गाड़ी भी ले रहे हैं और उससे बोल रहे हैं तू पेट्रोल का खर्चा करते जा, आखिरी में मुझसे बिल ले लियो गाड़ी का भी पेट्रोल का भी, जा तो अभी भी जेब से मेरी रहा है, उसे रीइंबर्समेंट कह लो या पेट्रोल का खर्चा कह लो, बात एक ही है। बट ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम फॉलो करते हो तो जो सामने वाला बंदा आपको बिल रेज करेगा, कितने का करेगा, 7.38 लाख का, कहेगा कि भाई साहब 6 लाख तो गाड़ी का रेंटल और 1.38 आपका रीइंबर्समेंट। तो कह रहे हैं कि जीएसटी का कोई लॉ होगा, वो कहेगा कि इस पर 5% जीएसटी भी भरना है। मैंने कहा ठीक है भाई, 7.38 लाख का 5% जीएसटी। मैंने कहा बस इतना बता दो क्या आईटीसी मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा है आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बस। अल्टीमेटली लैंग्वेज को घुमा रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन सबसे आसान, 15% कम हो जाएगी, पहली बार है ये कम हो रहा है कुछ, तो 80 करोड़ 40 लैक्स और ये 15% से कम हो जाएगी। सारी फिगर्स ना लैक्स के अंदर है, तो कॉस्ट को ऐड किया, सेल्स में से माइनस किया, तो प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। आया समझ में बच्चों? तो था इजी, बस इंटरप्रिटेशन में एक आधी जगह पे अटके, अदरवाइज फाइनल क्वेश्चन आपका थ्योरी इज रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट नेसेसरी इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक ही होते हैं, तो तब क्या रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ना भी बनाओ चल जाएगा। तो इसका थियोरेटिकल है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, लिखा हुआ है कहीं पे, सिंस ओनली वन सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर्पस, सो देयर इज नो नेसेसिटी फॉर रिकंसिलिएशन। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ आई टी ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन के अंदर है ये पूरा थियोरिटिकल, कॉपी पेस्ट, इंट्रोडक्शन का चैप्टर 1 करेंगे आप, वहाँ पे कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है आई टी की वजह से हर कंपनी में इफेक्ट पड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पड़ेगा, आप रीड मार लीजिएगा थियोरेटिकल। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, अगेन चैप्टर 1, हाउ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन अमंग्स द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स यूजिंग मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन एनआरवी मेथड डिस्कस। तो कह रहे हैं जॉइंट कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इन दोनों मेथड्स के हिसाब से उसके स्टेप्स बता दो। मुझे लगता है थ्योरी बहुत आसान थी, थ्योरी आप एक बार अगेन रीड जरूर करके जाएं, चैप्टर 1 भर भर के आ रखा है इसमें, इसी में आएगा चैप्टर 1, तो आप एक बार करके जाइएगा। तो आज का ये आरटीपी आपको समझ में आया बच्चों? चलिए, होपफुली आज का ये सेशन सक्सेसफुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है आप नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा डाउट्स अपने।